नमो विद्रागाय नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वर्षायानं नमो लोये सब साहुनं ऐसो पंच नमकारो सब पाव प्रणासनो मंगलानंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमाने महाविदे क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितरा शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योगबल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगबल समस्त विश्व का कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो। निज स्वभाव से सद्गुरु अगुरु लघु सर्वज्ञ है। सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वंग है। तैत्रिश कोटि देवगण
विश्वहितार्थे स्वागतम्। जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय द्यो आशिषम्। शीत स्वरूपी मूर्तमो गलती भूल को माफ दो। व्यवहारे सदबुद्धि हो निश्चय में अभिवृद्धि हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री चक्रेश्वरी माँ, हम आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सब महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। कल हमने आध्यात्म विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस क्या है और स्पिरिचुअल साइंस क्या कहना चाहते हैं, वो मैंने बेसिक कल थोड़ा बहुत बताया था और इसी ही क्रम को हम जब आगे ले जाते हैं तो हमने कल एक मुद्दा बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश किया था कि सुख बाहर नहीं है, अंदर है। जीव मात्र सुख की खोज करता है। किसकी खोज करता है? हर जीव, इंसान नहीं एनिमल भी, सभी जीवों को सुख चाहिए, किसी को दुख नहीं चाहिए, सबको सुख चाहिए। और विटंबड़ा यहां है कि कोई व्यक्ति जब मरते हैं तो ऐसा बोलता नहीं है कि मैं सुख प्राप्त करके जाता हूं। हर व्यक्ति खोज करके मर जाते हैं मगर कोई ये नहीं कहता है कि मैंने सुख पा लिया।
आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? हर व्यक्ति एग्जाम देंगी और हर व्यक्ति फेल होंगी, आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? हर व्यक्ति एग्जाम देगी और हर व्यक्ति फेल होगी, आप इसको क्या कहोगे? है? नहीं, मतलब वो रास्ता सही है? और यही मैं कहना चाहता हूं, हम इस संसार के अंदर से, हम सब इस संसार में से पांच इंद्रियों के माध्यम से और अपनी बुद्धि के माध्यम से सुख प्राप्त करना चाहते हैं और सुख अनुभव करना चाहते हैं, बराबर है? मगर कोई भी व्यक्ति हमारे समाज में ऐसे नहीं दिखती है कि जन्म से मौत तक उन्होंने सुख पा लिया है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। सब प्रोसेस करते हैं, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, कोई सक्सेस नहीं होता है। क्या बताया? पढ़ाई करते हैं, प्रयास करते हैं, मगर कोई सक्सेस नहीं। इसका मतलब क्या है? नहीं, फेल हो गए का मतलब क्या है? अगर कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज के अंदर अगर 100 में से 100 विद्यार्थी स्कूल में या कॉलेज में फेल होंगे, तो क्या तुम अपने बच्चे को उसमें एडमिशन दोगे? और समाज में हम क्या करते हैं? वही कर रहे हैं। हमारे पूर्वज जिस मार्ग के अंदर आगे चलने के बाद सुख प्राप्त करने में फेल हुए, वही मार्ग पे हम चलते हैं और हमारे बच्चे को भी उस मार्ग पे चलाने की, तो क्या है सही रास्ता है? अगर आप खुद सक्सेस नहीं हुए हैं तो इस रास्ते पर चलने के लिए बच्चे को बोलना चाहिए? फिर भी हम वही कहते हैं। और यही तो अज्ञानता है, आखिर सच्चाई तो हमको मालूम नहीं है, और वही झूठी कहानी हम अपने परिवार को देते हैं, और यही परंपरा चली आ रही है। आखिर सच्चाई क्या है वो तो हमको मालूम नहीं। अगर कोई व्यक्ति जिंदा है और कहते हैं कि मैंने इस रास्ते से सुख पाने का प्रयास किया और मैंने सुख की अनुभूति कर लिया है, अभी मेरे को प्रयास करने की जरूरत नहीं है, तब तो हम समझेंगे कि उसी के बताए हुए रास्ते को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि कम से कम एग्जाम्पल है। क्या है? यहां तो कोई एग्जाम्पल नहीं है, आप समझे? कोई एग्जाम्पल नहीं है, प्रयास सब करते हैं, कोई एग्जाम्पल सक्सेस का नहीं है जिसको हम फॉलो करते हैं, ऐसा कोई एग्जाम्पल। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्यों हम सब अपने जीवन में बचपन से लेके आज तक सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, मगर अभी तक हमने सुख पा लिया है ऐसा एहसास होता नहीं है? क्यों? कुछ तो वजह होनी चाहिए ना। अज्ञानता में हमने जीवन तो जी लिया, और सच्चाई हमको मालूम नहीं है। हमको पहले यह सुनना है कि गलती कहां है, हमको पहले यह समझना पड़ेगा गलती कहां है। अगर गलती को गलती मानोगे नहीं, गलती को गलती स्वीकारोगे नहीं, तभी तक आप सही रास्ते पर नहीं चल सकते, आप समझे? हम सब प्रयास करते हैं बचपन से लेके आज तक। बचपन में हमने खेला, खेलने में आनंद प्राप्त किया, फिर सोचा कि ये भी तो आनंद कोई परमानेंट तो है नहीं, फिर थोड़े बड़े हुए तो पढ़ाई करने में आनंद लेगा कि हमको डिग्री चाहिए कैरियर के लिए, तो पढ़ाई में ध्यान लगाया और डिग्री भी प्राप्त किया, फिर भी सुख। फिर सोचा कि डिग्री तो प्राप्त कर लिया, अभी पैसा कमाना है, चाहे नौकरी करें, चाहे बिजनेस करें, चाहे प्रोफेशन से, मगर क्या कमाना है? पैसा कमाएंगे तो सुख मिलेगा। जब पैसा कमा लिया, थोड़ा बहुत 2-5-10-15 लाख कमा लिया, फिर कहते हैं पैसा तो आ गया मगर सुख। फिर कहते हैं शादी कर लो, फिर शादी किया सुख के लिए, ये सब क्या किसके लिए कर रहे हैं? फिर शादी कर लिया,
शादी करने के बाद बच्चे हो गए, अभी कहता था हमने तो सुख के लिए शादी किया था, अभी लगता है ये तो बंधन है, नहीं समझ में आया। फिर बच्चे की जिम्मेदारी लेना, इसको पढ़ाना, इनकी शादी करवाना, इनको सेटल करना, बच्चे की भी शादी करवाना, सेटल करना, ये कोई साधारण काम है? बच्चे के घर भी बच्चा आ गया, अभी आपकी उम्र हो गई 60-65 हो गई, अभी कोई आपको प्रश्न करेंगे भी आप रिटायर हो गए, बच्चे परिवार दोनों बच्चा बच्ची सेट हो गया, क्या अभी आप सुखी हैं? तो बोला अभी सुखी कहाँ से होंगे, अभी तो कमर काम नहीं करती है, पाँव काम नहीं करता है, दिमाग काम नहीं करता है, आंखें काम नहीं करती है, कान काम नहीं करता है, ये दांत काम नहीं करता है, तो बोला इतना सारा किया क्यों? तो कि सुख के लिए, मिला क्या? तो कि सुख तो नहीं मिला। नहीं समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? तो आखिर एक दिन तो सच्चाई समझनी पड़ेगी ना, गलत रास्ते पर चलकर हम कब तक सक्सेस होंगे वो तो बताओ, कभी हो सकते हैं? हमारे सामने कितने एग्जाम्पल समाज में नहीं है कि नहीं, और हम खुद भी हैं, हमने भी सुख नहीं पाया है, अभी तक इतना कष्ट झेलने के बाद भी, इतना मान अपमान सहन करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम आज सुखी हो गए, बोल सकते हैं? हमने भी खेला बचपन में, हमने भी पढ़ाई किया, हमने भी पैसा कमाया, हमने भी शादी किया, हमने भी बच्चे किए, इसको भी बड़ा किया, सब कुछ किया, फिर भी सुख? तो इसका राज क्या है? प्रश्न मेरा ये है, इतना सारा करने के बावजूद भी अगर सुख नहीं मिलता है, इसका राज क्या है? अगर होता है तो किसी को तो अनुभव होगा कि नहीं होता? अगर इस सारी चीजों में सुख होता तो कोई तो कहता कि हम सुखी हो गए, अभी सुख पाने का प्रयास करने की जरूरत? अगर मिल गया तो प्रयास की जरूरत, और मिला नहीं है तो प्रयास करते ही रहेंगे, आप समझे? तो फिर कहने का मतलब यह है, इसका राज क्या है? रास्ता गलत है, है? रास्ता ही गलत है। नहीं, रास्ता गलत है हम तब बोल सकते हैं जब हमको कोई सही रास्ता मालूम होवे, तब हम इसको गलत कहेंगे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप इसको गलत कैसे कहोगे? गलत बोलना है, हम ऐसा कह सकते हैं कि हमको अनुभव है नहीं सुख का, मगर जब सही रास्ता मिलेगा तो कहेंगे कि ये रास्ता सही नहीं था। मगर जब सही रास्ता नहीं मालूम है, वहां तक तो इसको ही फॉलो करना है, सही मानो या और कोई ऑप्शन, आप समझे कि नहीं समझे? तो बात यह है कि हम अपने जीवन में सच्चाई को समझना चाहते हैं, मगर सच्चाई क्या है वो बताने वाले नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी व्यक्ति बताते नहीं, कोई कहते बस अपना जीवन पढ़ाई के समय पढ़ाई करते रहो, खेल के समय खेलते रहो, शादी करना है तो शादी करो, बच्चे पैदा करना है तो उसको करो, पैसा कमाना है वो करो, धार्मिक क्रिया करते रहो और अपना जीवन बिताते रहो बस। मगर ये सब करने के बाद कोई गारंटी नहीं। हमने बचपन से लेके आज तक भगवान की भी आराधना किया, पूजा पाठ किया, आप समझे, सब कुछ किया है, सबने किया है, फिर भी हम सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब कुछ करते हैं सुख के लिए, फिर भी सुखी नहीं, तो उनकी कोई वजह तो होनी चाहिए ना। मैं वजह की बात करता हूं, तो ये कुदरत का कानून ये कहता है कि इस दुनिया के अंदर आप जो पांच इंद्रियों से जो जो अवस्थाओं का, साधनों का, संबंधों का अनुभव करते हैं, इसके अंदर मैंने न सुख रखा है न दुख रखा है, ये सिर्फ आपकी मान्यता है। ये पांच इंद्रियों से जो अनुभव में आता है, ऐसी कोई भी चीज या अवस्था
या संबंध के अंदर मैंने सुख और दुख दोनों रखा नहीं है। आप इसको सुख भी मान सकते हैं, दुख भी मान सकते हैं, वो आपकी मान्यता के ऊपर आधारित है। क्या बताया? मैंने कल भी कहा था, अगर कोई गरीब को मैंने 5 रुपया दे दिया तो उनके लिए सुख की बात है। अगर कोई व्यक्ति BMW में से नीचे उतरेगा, इसको 5 रुपया देगा तो इसको इंसान लगेगा। तो आखिर दोनों की क्या है? बात समझ में आया नहीं? 5 रुपया में सुख दुख नहीं है, 5 रुपया की मान्यता आपके अंदर क्या है, इस प्रकार का आपको अनुभव होगा। भिखारी को, कोई भिखारी को हमने बचा हुआ खाना दे दिया है तो उनके लिए तो आनंद की बात है, कम से कम उनका पेट भर गया। मगर परिवार में कोई हमारे पहचान वाला व्यक्ति आ गया और फिर कहेंगे चलो भी जो कुछ बचा हुआ है इनको खाना दे दोगे, तो फिर क्या होगा? बोलते नहीं है। तो ये बात तो एक ही हो गई, एक के लिए आनंद, एक के लिए शोक। तो बात तो मान्यता हो गई ना, वास्तविकता तो नहीं है ना। न खाने के अंदर, न पैसे के अंदर, न संबंधों के अंदर सुख और दुख है नहीं, सिर्फ आपकी मान्यता। आप समझे? तो ये दुनिया मान्यता से चलती है, और जब इस दुनिया का जब सनातन सत्य समझ में आ गया, ये दुनिया का सनातन सत्य समझ में आ गया, तब समझ लेना ये दुनिया से धीरे धीरे आप मुक्त होते जाओगे। क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोई भी जगह पे न सुख है न दुख है, सिर्फ आपकी कल्पना, सिर्फ आपकी कल्पना है। हर बातों में देखो, जब नौकरी नहीं मिलती है तो बोलता है मेरे को यहां नौकरी मिल जाए तो अच्छी बात है, और जब नौकरी मिल गई 5 साल हुआ फिर कहते हैं उनसे मेरा पगार कम है तो मेरे को आनंद नहीं आता है, इनको प्रमोशन मिला मेरे को नहीं मिला तो आनंद नहीं आता है। हर बातों में देखो, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं था मगर मैंने मेहनत करके पैसा कमाना शुरू किया, जब शुरू किया तो भगवान को प्रार्थना किया कि कम से कम मेरे पास 2-5 लाख रुपए की बचत हो जाए तो भी मैं सुखी हो जाऊंगा। मगर जब मैंने मेहनत करके 5 लाख बचा लिया, फिर मैंने देखा उनके पास तो 25 लाख है, 50 लाख है, फिर मैं दुखी। आप समझे? तो ये तो मान्यता हो गई ना, यहां कोई वास्तविकता नहीं है। हर समय आपकी मान्यता बदलते रहते हैं और आप दुखी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आखिर सुख कहाँ है, हम सब इसको ढूंढ रहे हैं, प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो है कहाँ? जब कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद जॉब नहीं मिलती है, काम नहीं मिलता है, तो इनको अफसोस होता है। मगर पहले एक व्यक्ति ने अनपढ़ है तो लोग कहेंगे कि यह आदमी पढ़ा लिखा नहीं है और यह आदमी पढ़ा लिखा है, तो मान्यता से सुख दुख अनुभव करते हैं। मगर जब नौकरी नहीं मिलती है पढ़े लिखे लोग को और अनपढ़ लोग बिजनेस करके आगे बढ़ते हैं तो वो समझते हैं कि ये दुखी है और मैं सुखी हूं। आप समझे? कोई व्यक्ति कहते हैं कि मैं शादी नहीं करता हूं, मैं शादी नहीं करता हूं इसलिए सुखी हूं, और कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे को शादी करना है मगर लड़की नहीं मिलती है इसीलिए मैं दुखी हूं। दोनों की मान्यता अलग अलग है। एक कहता है मैंने शादी नहीं किया इसलिए सुखी हूं, एक कहता है मैंने शादी किया इसलिए सुखी हूं, ये भी मान्यता। एक कहता है मैं शादी किया तो सुखी हूं, दूसरा कहता है शादी किया तो मैं दुखी हूं, ये भी मान्यता। इसमें कोई वास्तविकता है, कोई स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड समझता है, कोई गारंटी है? एक कहता है मेरे पास 25 लाख रुपया है तो मैं सुखी हूं,
दूसरा कहता है मेरा के पास 50 लाख है फिर भी दुखी हूं क्योंकि मेरे भाई के पास 1 करोड़ है। ये भी क्या हो गया, मान्यता ही हुई ना। ये बहन लोग ज्वेलरी पहनते हैं, डायमंड पहनते हैं, गोल्ड पहनते हैं, सिल्वर पहनते हैं, आप समझे, गले में पहनते हैं, कान में पहनते हैं, उंगली में पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं, इतना सारा ज्वेलरी पहनते हैं। हम यहाँ 10 लाख की ज्वेलरी पहन के गए किसी की शादी में और शादी के एंट्रेंस में लोग को वेलकम करते हैं, क्या करते हैं, वेलकम करते हैं। तो हम इतनी ज्वेलरी मेकअप और ड्रेस डिजाइन करके गए और जब हमारा वहां से पास होना हुआ तो जो व्यक्ति वेलकम करती उसको फोन आ गया तो वो फोन में इकट्ठे हो गए तो हमको वेलकम, तो हमारा फ्यूज क्या हो गया। यही तो हमारी परिभाषा है सुख की, आप समझे। फिर आगे जाके शादी में सबको मिले, फिर खाना खाने के लिए बैठे, हम खाना खा रहे थे बुफे की तरह, तो किसी ने कहा कि तुम्हारी वो नाक की और कान की क्या कहते हैं उसको, यहाँ की जो आप क्या बोलते हैं उसको, जैसे इसको मीठी बोलते हैं, इसका नाम क्या है, बाली, बाली। तो तुम्हारी बाली गिर गई लगता है, तो फिर खाने में आ गए बोलते नहीं, इतना अच्छा खाना है फिर भी आने नहीं आएगा। देखो हर समय मालूम ही नहीं किसमें आनंद है, न खाने में है, न कपड़े में है, न पहनने में है, न दिखावे में है। कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो कंटाल गए, 6 महीना हो गया, साल हो गया, वो बाहर घुमा के घुमाने के लिए ले जाते नहीं है, मैंने पक्का कर लिया कि अभी तो सैलरी आए फिर घूमने के लिए जाएंगे 4-5-6 दिन, फिर नक्की कर दिया और प्रोग्राम भी बना दिया, फिर घूमने के लिए निकल गए। फिर जब 2-3-4 दिन हुए तो बोला मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, मंदिर में खाना खाते हैं, रात को वापस सो जाते हैं धर्मशाला भोजनशाला में। फिर 3-4 दिन होता है तो फिर खुलता है, अभी तो घर में जाए तो अच्छा है। यानी उसका दिमाग ठिकाना नहीं, जब घर में होते तो बाहर जाए, जब बाहर होते तो घर में आए तो अच्छा लगेगा। फिर कोई लोग कहेंगे कहाँ घूम के आए, बोला नहीं अभी घर में आए, जब घर में आए तभी हास हुआ तो बाहर क्यों गए थे, कोई सोच ही नहीं, यानी कोई स्टैंडर्ड, आप समझे, दिमाग ही नहीं है हमारे पास वास्तविकता को समझने का, दिमाग ही नहीं है कि आखिर हैप्पीनेस या तो सुखी सुख या तो खुशी कहां है, वो ही नहीं मालूम। प्रयास करते करते मर जाते हैं। तब ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि सुख ये साधनों के अंदर नहीं है, ये तो तुम्हारी मान्यता है। क्या है, आप जो ड्रेस पहनकर आनंद अनुभव करते हैं वही ड्रेस दूसरे को पहना होंगे आनंद होगा, तो ड्रेस में तो आनंद देने का स्वभाव ही नहीं है। आप जो खाना खाते हैं आपको आनंद आता है, वही खाना दूसरे को पसंद, तो मतलब हुआ खाने में तो आनंद का स्वभाव ही नहीं है। आप जो घर में रहते हैं आपको आनंद लगता है, दूसरा कहता है कि मेरे को यह घर बिल्कुल पसंद ही नहीं है, वो भी क्या हो गया, मान्यता। आप जो डायमंड की ज्वेलरी पहनते हैं आपको आनंद लगता है, दूसरा कहता है ऐसा नहीं, ये तो मेरी ओल्ड फैशन हो गई, उनको लिए आनंद की बात नहीं है। हर बात में क्या होता है, मान्यता। साधनों के अंदर सुख दुख देने का स्वभाव, हमारी मान्यता है तो सुख लगेगा, मान्यता नहीं है तो। मगर साधन ये नहीं कहता है मैं आपको सुख या तो दुख देता हूं, वो साधन, और हमको साधनों में से सुख प्राप्त करना है, पॉसिबल है। एक व्यक्ति कहती है मैं पिज्जा खाता हूं तो आनंद आता है, दूसरा कहता है मेरे को पिज्जा पसंद ही नहीं है, तो अगर पिज्जा में से आनंद आता है तो सबको आना चाहिए ना, मगर ये तो मान्यता में से आता है पिज्जा में से, और हम समझते हैं पिज्जा में से आता है, यही तो अज्ञानता है। आखिर दुनिया में कौन सी चीज ऐसी है जिनका स्वभाव सबको सुख देना है, जो हम 5 इंद्रियों से अनुभव करते हैं, ऐसी 1-2 चीज का मेरे को एग्जाम्पल दे दो कि ये चीज के अंदर सभी व्यक्तियों को सुख देने का स्वभाव है,
ऐसा एक दो एग्जाम्पल दे दो आपके अनुभव के आधार से। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश सुख देता है, है? वो तो बाहर गर्मी में जाऊंगे मई महीने में तब मालूम होगा। अपने सुख देता है वो, प्रकाश देने का काम करता है, सुख देने का काम करता है सूरज। नहीं, ठंडी हो गर्मी हो या बारिश हो, सभी चीजों की मेरे को जरूरत है इंसान के रूप में, मैं मना नहीं करता हूँ। ठंडी गर्मी बारिश सबकी जरूरत है, मगर इससे सुख मिलता है वो तो हमारी मान्यता है। जब जब खेड़ूत होता है तो बारिश आती है तो इसको आनंद होता है, और जब लोग कपड़ा पहन के अच्छे कपड़े पहन कर शादी में जाएंगे और बारिश आएगी तो इसको दुख लगेगा। तो एक को सुख दूसरे को, तो कोई वास्तविकता तो है नहीं। मेरा कहने का मतलब ये, दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो सबको सुख की अनुभूति करवाता है और वो उसको पांच इंद्रियों से अनुभव करते हैं। नहीं, समान देखेगा तो देखना, तो समान देखने का कोई मना थोड़ी करता है, मगर देख तो नहीं पाते हैं। तो फिर जो जो बात प्रैक्टिकल नहीं है मतलब क्या रहा? बात ऐसी होनी चाहिए प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल समझते ना, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं ऐसी बात होनी चाहिए। जो अनुभव ही नहीं कर सकते हैं वो बात करने से क्या मतलब? स्वामी जी, जब कड़ी भूख लगे वो कड़ी भूख लगना चाहिए वो भी कंडीशन तो सबको तो नहीं, सबको लगना चाहिए, मगर सबको कैसे लगेगी? जो दिन में दस बार खाते हैं उनको कड़ी भूख कब लगेगी? नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है, हर व्यक्ति को खाने में या भोजन करने से आनंद होता नहीं है। भूख लगने के पर भी आनंद होता है ऐसा किसने कहा है? भूख होता है तो खाना खाते हैं, आनंद किसने कहा? देखो, भूख लगती है, प्यास लगती है, थाक लगता है, इसमें हम मना नहीं करते हैं। भूख लगता है तो खाना खाएंगे, प्यास लगता है तो पानी पिएंगे, और थकान लगती है तो आराम करेंगे। ये सुख की बात नहीं है, आप समझे? ये सुख की बात, ये शरीर को जरूरत की बात है। किसकी बात है? ये आनंद की बात नहीं है। भूख लगेगी तो खाना तो खाना ही पड़ेगा जो भी है, प्यास लगी है तो पानी तो पीना ही पड़ेगा, थकान लगी है तो आराम तो करना ही पड़ेगा, इसमें आनंद की बात कहाँ है? मने स्वामी जी, टेम्परेरी है, मने सुख मिलता है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं। मैं टेम्परेरी भी बिलीफ के आधार से है, वो भी आपकी बिलीफ है ना भाई। मेरे को भूख लगी है मगर मैं बहुत पैसे वाला आदमी हूँ, और कोई कहेगा ये रोटी चपाती सब्जी और दाल खा लो, तो बोला ये कोई खाने की चीज है? हम तो अब जो पति ऐसा चीज नहीं खाना खाते, हो भूखे रहेंगे मगर नहीं खाएंगे। आप समझे ना, जैसे शेर भूखा रहेगा घास नहीं खाएगा, खाएगा मर जाएगा मगर नहीं खाएगा। ऐसे व्यक्ति में भी ऐसा होता है ना, अहंकारी व्यक्ति, बोला ये कोई खाने की चीज है नहीं खाएंगे, हमको तो जो हमारी स्पेशल चीज मिलेंगी तो ही खाएंगे। सबका अपना अपना क्या होता है, मान्यता होती है। मजबूरी में खा भी लेता है तो भी उसको आनंद, मजबूरी में अगर खा ले, कोई व्यक्ति को प्यास लगी है और घर में 24 घंटा बिस्लेरी वाटर पीते हैं, मगर कहीं बाहर गए जंगल के अंदर घूमने गए, गाड़ी बिगड़ गई, पानी नहीं है, तो वो वहां से जो पानी बहता है वो भी पानी पीना पड़ता है, मगर वो पीने से प्यास तो बुझेगी मगर आनंद
क्योंकि मान्यता नहीं है ना, हर बात में ये है। तो मैं नेसेसिटी की बात नहीं करता हूं, मैं कहता हूं आनंद कैसे होगा। हम सब आनंद ढूंढ रहे हैं, हम सब सुख ढूंढ रहे हैं, तो आखिर है कहां? हेलो हेलो, बैठ के बोले कर। जो आनंद सिंध सुख राशि सीकर ते तैलोक सुभाषी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। संत नारायण गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बिना अपने अंदर में जो बैठा हुआ है सच्चिदानंद, उसकी अनुभूति हुए बिना तमाम विषया सुख संसारिक सुख है। उसके बाद तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एकांग पूर्णताई सकल मिली जो सुख लव सत सब। तो स्वर्ग विषया सुख, स्वर्गिक सुख, अपवर्ग सुख, तो अपने आत्म तत्व के जाने बिना इस मनुष्य की सुख की कभी भूख कभी शांत नहीं हो सकती, वह विषयों में भटकता रहेगा। गुरुदेव नहीं अपना, मैं वही कहता हूँ कि आपने उत्तर दे दिया सही, पर जिंदगी में आपने प्रयास किया नहीं है वो अंतर के सुख के लिए, तो मतलब वो तो सत्य ज्ञान हो गया। जो बात मैंने पहले भी कहा, जो बात प्रैक्टिकल में नहीं है वो बोलने से क्या फायदा। अगर मैंने अपने जीवन में अंदर के परमात्मा को देखने का अनुभव करने का प्रयास किया है तो मैं कहूँगा कि आप सही रास्ते पर हैं। मगर आपने तो जो कुछ भी पढ़ा था, जो कुछ भी सुना था, वो आपने बोल दिया, तो ये रास्ता आपके लिए सही नहीं है, ये तो सत्य ज्ञान है। और हम ढूंढते हैं कहाँ से? साधन संपत्ति संबंध और सत्ता में से ढूंढते हैं। तो बोलना ये है, मानना ये है, कोई मतलब ही नहीं है। अगर जिस जहां सुख है ऐसा हम मानते हैं तो हमारे जीवन में प्रयास भी तो होना चाहिए ना, तो प्रयास तो है नहीं, मतलब हमारी मान्यता सही नहीं है। सिर्फ नॉलेज है हमारे पास, क्या है? प्रैक्टिकल नहीं। तो मतलब क्या रहा? आज क्या करते हैं लोग, इतने बिजी हो गए तो शादी वाले लोग क्या कहते, देखो हम प्रत्यक्ष रूप से तो आपको कंकोत्री देने के लिए, कंकोत्री बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? शादी का कार्ड क्या बोलते हैं? आमंत्रण कार्ड। हाँ, तो आमंत्रण कार्ड देने के लिए नहीं आ सकते हैं क्योंकि हम बिजी होते हैं। अभी इस काल में लोग बिजी हो जाते हैं तो वो मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर भेज देते हैं कंकोत्री, सभी पन्ना फर्स्ट पेज सेकंड पेज थर्ड पेज फोर्थ पेज भेज देते हैं और सभी इंफॉर्मेशन आ जाती है इसके अंदर, प्रोग्राम की माहिती, डेट टाइम सब कुछ आ जाता है। फिर लोग भी समझिए तो अच्छा हुआ, तो फिर 2000 रुपया की नोट भी व्हाट्सएप पर भेज देते हैं। नहीं समझ गया? बोला हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ सकते मगर हमारे तरफ से ये भेज है। बोलो तो दुनिया ऐसे ही चलेगी? तो यही तो बात करते हैं भी। आपने चौपाई सुना दिया, अच्छी बात है, मैं चौपाई को गलत नहीं कहना चाहता हूं, मगर जो हमारे जीवन में प्रैक्टिकल नहीं है, हम सुख ढूंढते हैं पैसे में, खाने में, कपड़े में, संबंधों में, सत्ता में, साधन में, इसमें ढूंढ रहे हैं और फिर चौपाई की बात करते हैं, तो प्रैक्टिकल तो नहीं है। तो बात प्रैक्टिकल होनी चाहिए तभी इसको इफेक्टिव होगी, नहीं तो क्या करेंगे? अच्छी बात करने से तो अनुभव नहीं होता है, बात प्रैक्टिकल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि ज्ञानी भगवान फरमाते हैं कि सुख अंदर नहीं, बाहर नहीं है, अंदर है। और अंदर का मतलब होता है आत्मा में, मगर आत्मा में जो सुख है इसको हम माने कैसे? बाहर तो है नहीं मगर अंदर है, तो माने कैसे? शास्त्रों में लिख दिया, महान पुरुषों ने बता दिया, हम कैसे उसको माने? ठीक है, क्योंकि हमको तो अनुभव है नहीं, कुछ तो हमारी सोच चाहिए ना कम से कम स्वीकार करने से पहले। शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है, हम सब कुछ स्वीकार नहीं करते, पढ़ते हैं सुनते हैं मगर मानते नहीं है। आप समझे कि नहीं समझे? तो हमारी बात ऐसी होनी चाहिए जो आम आदमी उनको स्वीकार कर सके। क्या कर सके?
समझ के साथ, सोच के साथ इसको स्वीकार कर सके, तभी उसके बाद की वैल्यू होती है। देखो घर में लिखा है यहाँ बोर्ड के ऊपर, पेंट करवाया है, सत्यमेव जयते। क्या लिखा है? घर के अंदर लिखा है, और घर के अंदर 10 लोग रहते हैं, कितने? और सभी लोग ये सूत्र पढ़ते भी हैं, और सभी लोगों के पास उसका अर्थ भी मालूम है। ये सूत्र होते हुए भी घर में सब लोग आसानी से झूठ बोलते हैं, बोलते नहीं है, फिर बोलता है सत्यमेव जयते तो लिखा है, नहीं समझ में आया, इसका मीनिंग भी मालूम है, तो मतलब रहा कुछ? जब यही सूत्र के सामने आप आसानी से झूठ बोलते हैं और सब लोग बोलते हैं घर के अंदर, तो उसकी वैल्यू क्या रही? वही तो बात है, तो फिर मतलब ही नहीं रहा ना, ऐसी बातों से क्या फायदा? जो हमारे जीवन में प्रैक्टिकल ही नहीं है, गलत नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो लाना पड़ेगा है? उसको जीवन में लाना पड़ेगा ना। मेरा कहने का मतलब जीवन में लाना पड़ेगा, वो किसने मना किया? तो लाने का कोशिश किया जाना चाहिए। मैं वही तो कहता हूँ, आपके पास सेंटेंस है, आपको मीनिंग मालूम है, फिर और क्या चाहिए? फिर भी झूठ बोलते हैं आसानी, तो मतलब क्या रहा है? सूत्र भी लिखा है और मीनिंग भी मालूम है, मतलब नॉलेज तो आपके पास है। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? तो बात प्रैक्टिकल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रैक्टिकल। तो इसीलिए मैं कहता हूं, हम सब कहेंगे कि शास्त्रों के मुताबिक, ज्ञानी भगवंतों के माध्यम से, गुरु भगवंतों के माध्यम से हमने ये तो जाना है कि भी आत्मा में सुख है। मानेंगे कैसे? अनुभव तो है नहीं, कैसे मानेंगे? नहीं, प्रयास तो तब करेंगे, पहले समझ में तो आना चाहिए ना। मैं समझ की बात करता हूँ, अनुभव की बात नहीं करता हूँ, ये दोनों बात अलग है भाई। नौकरी करने से, पढ़ाई करने से, डिग्री प्राप्त करने से जॉब मिलेगी, तो ये ज्ञान तो होना चाहिए ना, बाद में पढ़ाई करोगे ना, पहले समझ तो होनी चाहिए ना। आज हम छोटे बच्चे को स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो क्या कहेंगे? भाई तू पढ़ाई नहीं करोगे तो काम काज कैसे मिलेगा? नहीं कहते, तो उसको मालूम है कि पढ़ाई करने के बाद काम काज मिलेगा, तो ये तो समझ है ना उसके अंदर। अभी पैसा तो नहीं मिलता है उसको, काम काज भी नहीं करता है, मगर शिक्षा तो लेनी पड़ती है ना, कि पढ़ाई क्यों करना है? काम काज के लिए। ऐसे यहां हम कहेंगे कि आत्मा में सुख है, हम कैसे माने? न देखा है, न अनुभव किया है, और न सोच में भी है। कोई कहेंगे कि आत्मा में अनुभव है, आत्मा में सुख है, आप एक्सप्लेन करो, तो बोला हमको मालूम नहीं है, किताबों में लिखा है, तो मतलब क्या रहा? आपके पास तो कोई प्रैक्टिकल ज्ञान है नहीं, किताबों में जो लिखा है तो किताब को तो अनुभव नहीं है, बोलते नहीं है, और किताब में से आपको मिला तो आपको अनुभव नहीं है, तो कैसे आप कहोगे कि उसमें से सुख मिले है? ऐसा मानोगे कैसे? और नहीं मानोगे तो प्रयास भी नहीं करोगे। सुना है, पढ़ा है, मगर प्रयास नहीं करते, क्योंकि उसमें हमको विश्वास नहीं है। बात तो यही है, आप समझे कि नहीं समझे? विश्वास नहीं आता है, क्योंकि सोच नहीं है ना हमारी, ये तो नॉलेज हो गया। क्या हो गया? हमारे खुद की सोच, खुद की सोच लगेगी जब, तब मालूम होगा नहीं इसमें ही सुख है, फिर हम प्रयास करते रहते। तो इसमें सुख है, वो आप, मैं आज आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जो शरीर है और इंद्रिया है, ये पांच इंद्रिया है, पांच इंद्रिया समझते हैं? समझते हैं? ओके। तो ये शरीर जो है, और शरीर के अंदर ये पांच इंद्रिया भी है, ज्ञानेन्द्रिया और पांच कर्मेंद्रिया है, तो ये पूरा जो शरीर है, वो शरीर के अंदर अगर आत्मा नहीं होता है, क्या बताया? तो ये शरीर सुख दुख की अनुभूति कर सकता है? बोलिए। तो इतना तो मालूम हुआ कि सुख दुख की अनुभूति आत्मा है तभी कर सकते हैं, इतना तो मालूम हुआ ना, इतना तो समझ में आया ना,
अगर ये नहीं है तो सुख दुख भी नहीं अनुभव कर सकते हैं। आगे जाएंगे, आत्मा में ही सुख है ऐसा हम कैसे माने? तो कि आत्मा ही चेतन है, ये तो जड़ है। जड़ को सुख दुख की अनुभूति होती है? इसको होती है, इसको होती है, इसको होती है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि तो ये क्या है, तो इसको होगा? तो बात समझो पहले, इसको सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है, ये जड़ है, इसीलिए तो जलाया जाता है। कभी चेतन को जलाया जाता है? तो चेतन का स्वभाव ही अनुभूति करना है, जड़ का स्वभाव अनुभूति करना नहीं है। जड़ तो मीडिया है, मीडिया समझते, माध्यम। जड़ अनुभव नहीं करता है, जड़ के माध्यम से जो अंदर चेतन है वो चेतन की हाजिरी से अनुभव होता है, जड़ को अनुभव नहीं होता है। आप समझे? अगर हमारे घर के अंदर वो सेफ या तिजोरी, आप क्या बोलते हैं, तिजोरी बोलते हैं ना, तिजोरी है, और तिजोरी के अंदर हमने 5 लाख रुपया कैश रखा है, तो तिजोरी को आनंद होगा? क्यों? पैसा तो उनके पास है, बोलिए, मगर तिजोरी के मालिक को आनंद होगा। मगर कब आनंद होगा? जब अंदर आत्मा है और निकल जाएगा तो। हर बात में आपको आत्मा बीच में लाना पड़ेगा, हर बात में। भी शादी किया है, आत्मा नहीं है तो, बोलिए, बच्चा पैदा हुआ, आत्मा नहीं है तो, 1 करोड़ रुपया दान दे, किसी ने आपको भेंट दे दिया, आत्मा निकल गया तो फिर क्या आपको अनुभूति होगा कुछ? हर बात में क्या लाना पड़ेगा बीच में? तो बिना आत्मा अनुभव हो सकता है? नहीं हो सकता है। और इसीलिए सुख का, सुख ये आत्मा का स्वभाव है, क्या है? और इसीलिए सबको सुख चाहिए, मगर सुख स्वभाव इनका है, मगर अज्ञानता के वसम दुनिया के बाहर, ये 5 इंद्रियों के माध्यम से और बुद्धि के माध्यम से हम बाहर सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, और कहीं अवतारों से फेल होता है, क्योंकि बाहर तो सुख दुख है अंदर, और ढूंढते हैं, मिलेगा? आप समझे? प्रयास गलत जगह पर है। क्या बताया? वो अज्ञानता है, वो अज्ञानता को निकालना है। अगर आत्मा में सुख है ऐसा मानते हैं, समझते हैं और प्रयास करेंगे तो एक न एक दिन अनुभव होगा। मगर जहां सुख है ही नहीं वहां लाख अवतार भी मानोगे सुख होगा? बोलो। लोग कहता है पैसा सुख देने का साधन है, ये भ्रांति है। पैसे वाला दुखी नहीं होता है, बोलते नहीं है। तो पैसा तो है उनके पास, बोला बैंक में कितना पड़ा है, 25 लाख पड़ा है, बोला दुखी क्यों हो? बोलिए, क्योंकि इसके अंदर सुख देने का स्वभाव नहीं है। आप समझे? तो ये बात को समझनी पड़ेगी। अगर कोई देवी देवता आपको कहते हैं कि मैं आपको 5 करोड़ रुपया दे दूं, 1 बंगला दे दूं, गोल्ड सिल्वर डायमंड भी दे दूं, सब कुछ दे दूं और आपके आत्मा को ले लूंगा, तो चलेगा? नहीं, बोलते नहीं है, क्योंकि आप तो बंगला मोटर गाड़ी पैसा गोल्ड सिल्वर में सुख मानते हैं, वो तो देने के लिए तैयार है, फिर आप कहते हैं आत्मा में सुख है। जब पहले नहीं, पहले बोलते थे कि आत्मा में सुख, वो तो बड़ा है, मगर ढूंढना तो बाहर है। जब वैल्यू समझ में नहीं आएगी तो प्रयास भी नहीं। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पैसा नहीं कमाओ, व्यवहार जीवन नहीं जियो, वो मैं नहीं कहता। व्यवहार में जो कुछ भी करना चाहिए वो सब कुछ करो,
मगर दृष्टि में याद रखो कि सुख तो मेरे आत्मा के अंदर ही है और बाकी सब मेरे कर्मों के हिसाब का व्यवहार है। इसमें मान्यता से मेरे को सुख दुख लगता है मगर है नहीं, सिर्फ मान्यता है। क्या है सच्चा सुख? कहाँ है? आत्मा में दुख है ही नहीं। क्या बताया? और इसीलिए आत्मा को अनंत सुख वाला बताया। क्या बताया? आत्मा नहीं है तो आत्मा का स्वभाव ही सुख वाला है, वो तो समझ में आ गया है ना भी आपको। तो जिसको सच्चा या सनातन या शाश्वत सुख चाहिए, इसको आत्मा को ढूंढने की, अनुभव करने की प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि दूसरा प्रश्न आपके मन में यह आएगा कि चलो भी आत्मा में सुख है ऐसा हमने मान लिया, जान भी लिया, मगर आत्मा है उसका प्रमाण क्या है? क्योंकि बुद्धि तो प्रश्न करेगी, करेगी कि नहीं? मेरा काम समाधान देना है, मेरा काम शास्त्रों की बातों को बोल के छोड़ देना नहीं है, आपको कन्विंस करना है। क्या करना है? नॉलेज देना नहीं है, कन्विंस करना है, समाधान देना है। नॉलेज तो किताबों में लिखा है, हमको स्वीकार होना चाहिए ना। तो आत्मा में सुख है वो तो मान लिया, मगर आत्मा है वो कैसे मानेंगे? भी हमने तो देखा नहीं है, हमारे पूर्वजों ने किसी ने देखा नहीं है, हमारे गुरु भी कहता है कि हमने आत्मा को देखा नहीं, आत्मा को मानते हैं मगर देखा तो भी हम कैसे मानेंगे उसको? तो आत्मा है तो कैसे मानेंगे? भी आत्मा नहीं है तो कर्म होता है, ये जड़ कर्म कर सकता है, ये कर्म कर सकता है, ये कर्म कर सकता है, नहीं कर सकता है। चेतन है तभी आप कर्म कर सकते हैं, और चेतन है तो कर्मों की भुगतान भी, ये मर्दा होने के बाद क्या वो भुगतान कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो चेतन का मतलब होता है आत्मा है तो कर्म बना भी सकता है और कर्मों की भुगतान भी, तो बिना आत्मा, यानी आत्मा है वो साबित हो गया। दूसरी बात, अगर आत्मा नहीं होता है तो पुनर्जन्म हो सकता है? बोलिए, आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म हो सकता है? अगर आत्मा नहीं है तो कर्मों का सिद्धांत हो सकता है? क्योंकि ये अवतार में कर्म करते हैं, नेक्स्ट वर्ल्ड में भुगतान करना है, मगर आत्मा तो सेम रहेगा ना, शरीर नया मिलेगा मगर आत्मा तो आत्मा है और आत्मा का स्वभाव अनंत सुख वाला भी है। लेकिन पुनर्जन्म को स्वामी जी सिर्फ हिंदू लोग मानते हैं, क्रिश्चियंस और मोहम्मदन तो नहीं मानते। हाँ तो क्या है मतलब? एक कोर्डलेस माइक कहाँ चला जाता है? पुनर्जन्म जो है हमारा हिंदू धर्म ही मानता है, बाकी क्रिश्चियंस और मुसलमान तो नहीं मानते पुनर्जन्म। तो मतलब क्या? वही जानना चाहता हूँ मैं आपसे। देखो छोटा बच्चा है 2-3 साल का, इनको आपको पार्ले का बिस्किट दो और सोने का बिस्किट दो, वो क्या लेगा? खाने वाला बिस्किट लेगा, पार्ले वाला। तो उसको वैल्यू नहीं मालूम है, तो फिर हम वैल्यू क्यों करते हैं? वो बच्चा नहीं करता है तो हम क्यों नहीं करेंगे? हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसका वैल्यूएशन जानते हैं। तो जो नहीं जानते वो नहीं करेंगे, सिंपल बात तो है। आपने तो उत्तर दे दिया, मेरे को देने की जरूरत नहीं पड़ी। जो नहीं जानते नहीं मानते, जो जानते वो मानते, इसमें गलती कहाँ है? ये तो नहीं दिख रहा है लेकिन जो लोग नहीं जानते तो कैसे मानेंगे? हम जानते हैं तो फिर मानते भी है, वो जानते नहीं है तो मानते भी नहीं है। नहीं, आपका कहने का मतलब क्या है? आपका मूल प्रश्न क्या है? नहीं ऐसा क्यों, ऐसा मेरे कहने का मतलब है वो डेवलप नहीं है। क्या बताए? स्पिरिचुअल मार्ग में वो डेवलप नहीं है। जो व्यक्ति आत्मा की खोज कौन कर सकता है? पहले सिंपल समझो, आत्मा की खोज कौन कर सकता है? जो व्यक्ति आत्मा को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है और कर्म को सिद्धांत को मानता है, वो ही आत्मा की खोज कर सकता है।
और जो लोग नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, उसके लिए आत्मा है वो प्रश्न ही नहीं है। तो फिर मानना और अनुभव करना, प्रयास करने की तो बात है ही नहीं। तो अध्यात्म के मार्ग में वो चाइल्ड है, बच्चा समझता है ना, बस आप समझे कि नहीं समझे, बच्चे है। तो बच्चे तो वही कहेंगे, जो दिखेगा वो मानेंगे, नहीं दिखेगा वो नहीं मानेंगे। समझ में आया कि नहीं? आज हमारे देश के अंदर की परिस्थिति देखो, जब ये राम का मंदिर है और राम हो गए भगवान के रूप में, इसका प्रमाण बताना पड़ता है हमको कोर्ट के अंदर, राम थे और राम इंसान थे, वो यहां पैदा हुए, उसका प्रमाण देना पड़ता है हिंदुस्तान के अंदर। और लोग आज कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि आप भारत के नागरिक का प्रमाण दो, तो बोला देने के लिए तैयार नहीं है, हमारा प्रमाण नहीं मिलेगा, राम का चाहिए हमको, बोलते नहीं है, ये हमारी बेइज्जती है, समझना चाहिए हमको, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ये हंसने की बात नहीं है, ये हमारी बेइज्जती है। आप समझे, आप अल्लाह का प्रमाण नहीं मांग सकते, मांग सकते हैं, ये हंसने की बात नहीं है, ये हमारी कमजोरी है, हम सच्चाई को पेश नहीं कर सकते हैं और झूठे व्यक्तियों को प्रमाण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, यही तो कमजोरी है। समझ में आया ना? तो बात यह है, जहां तक हम सच्चाई को नहीं जानेंगे अपने जीवन में, वहां तक प्रयास भी नहीं हो सकता है। हमने सुना है, पढ़ा भी है कि आत्मा, मगर प्रयास नहीं करते क्योंकि विश्वास नहीं। पैसे में सुख है नहीं, विश्वास तो है। खाने में सुख नहीं है, विश्वास तो है। शादी में सुख नहीं है, विश्वास तो है। तो प्रयास करते हैं, यहां जानते हैं मगर मानते हैं क्योंकि विश्वास नहीं है। तो विश्वास नहीं है तो प्रयास भी। तो बात यह है, पहले आप अच्छी तरह इसको समझने की कोशिश करो। क्या करो? कोशिश करो, समझो पहले। कहीं भी जाओ, कोई भी साधु के पास, संत के पास, सन्यासी के पास जाओ, कोई भी अनुभवी पुरुष के पास जाओ, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ के समझने की कोशिश करो कि वास्तव में मैं आत्मा हूं। और दूसरी बात, क्या आत्मा में ही सुख है और बाहर भी सुख है, ये समझने की तो पहले कोशिश करो, बाद में प्रयास करूंगी। सिर्फ सुनने से, पढ़ने से प्रयास नहीं होगा, वो तो बहुत कुछ पढ़ा है और बहुत कुछ सुना है, मगर विश्वास नहीं है तो प्रयास भी। तो ऐसी बातों से क्या फायदा, ऐसी बातों से क्या फायदा, जो पढ़ने के बाद सुनने के बाद हम खुद को भी विश्वास नहीं है तो मतलब क्या रहा। तो पहले समझने की कोशिश करो, और मैं आज यही बातों को समझाने की कोशिश करता हूं। आप सब ध्यान से सुनना, और मैं जितनी बात कहूंगा ये बात न धार्मिक सत्य है न सामाजिक सत्य है, ये सनातन सत्य है। कौन सा सत्य है? और उसका दूसरा नाम है कुदरत का कानून, लॉ ऑफ नेचर, जो सबके लिए, माने उनके लिए भी और ना माने उनके लिए भी, दोनों के लिए अलग अलग होगा, एक ही होगा। नहीं मानते वो आपके अज्ञानता है, मगर कुदरत तो अपना काम करके ही, अगर मैं पुनर्जन्म को नहीं मानूंगा तो मेरा नहीं होगा, अगर मैं कर्म के सिद्धांत को नहीं मानूंगा तो कर्म नहीं लगेगा। तो मैं नहीं मानता हूं, मुझे अज्ञानता है, मगर कुदरत तो अपना काम करेगा कि नहीं करेगा। मैं यहाँ अपनी व्हीकल लेके घूम रहा हूँ, कोई जगह वनवे है मगर मेरे को मालूम नहीं है और मैंने बोर्ड देखा नहीं, तो मैं वनवे चला गया, तो पुलिस वाला क्या कहेगा? भाई चलन काटना पड़ेगा, भाई हमने देखा तो भी हमको तो मालूम नहीं है, बोर्ड भी नहीं देखा है, तो बोला वो आपकी गलती है। यस और नो? आप नहीं मानते, आप नहीं जानते, वो आपकी मिस्टेक है। जब गाड़ी चलाते हैं तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन और साइन मालूम होनी चाहिए, एक्सक्यूज नहीं होता है इसमें। ऐसे कुदरत के कानून को न मानना, न जानना, वो एक्सक्यूज नहीं है। कुदरत तो अपना काम करेगी ही, मानो या तो कुदरत क्या कहती है और कुदरत क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कल मैंने बताया था थोड़ा,
कुदरत क्या कहती है, ये जो शरीर है इस शरीर की डिजाइन मैंने बनाई है और इसीलिए सभी की डिजाइन एक ही है। डिजाइन का मतलब होता है सिस्टम ऑफ अवर बॉडी, जैसे पांच इंद्रियां हैं, ये फेफड़ा हार्ट सब कुछ है, वो सिस्टम कैसी है सबकी एक ही है। तो ये डिजाइन कुदरत की है इसीलिए सबकी, आप भारत में जाओ विदेश में कहीं भी जाओ सबकी सिस्टम एक ही रहेगी। एक ही है क्योंकि कुदरत ने बनाई है, अगर इंसान बनाते तो अलग अलग। तो ये बॉडी की डिजाइन भी कुदरत ने बनाई है। फिर ये बॉडी जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में हार्ड फॉर्म है, जो पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये भी किसका है? डिजाइन भी कुदरत की, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर भी कुदरत का। अभी ये बॉडी तो बना दिया, इसको 100 साल तक जिंदा रखना है, इसके लिए हवा पानी खुराक भी कौन देगा, बोलिए। अभी 100 साल तक जिंदा रखने के लिए के हवा पानी खुराक तो दे दिया, मगर 100 साल जिंदा क्यों रखेंगे? तो के कर्मों की भुगतान के लिए, तो भुगतान के लिए कर्मों के भुगतान के संजोग कौन देंगे, बोलिए। पैदा होते माता पिता कौन देंगे, भाई बहन, रहने का घर, और जीवन जीते जीते जो भी संजोग आएंगे, खेलने का, पढ़ने का, बिजनेस करने का, पैसा कमाने का, शादी करने का, बच्चा पैदा करने का, सब कुछ संजोग आएगा, मोटर गाड़ी बंगला खरीदने का, ये सब संजोग कौन देंगे, कुदरत देंगे। और लास्ट में श्वास बंद कौन करेंगे? तो जन्म से मौत तक इस शरीर पे हमारा कंट्रोल कहां है वो बताओ, बोलिए, आपको बताना है। फिर भी कहते मैं सोचता हूं, मैं बोलता हूं, मैंने ये किया, या तो आपने किया, आपने बोला, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये वास्तविकता है या अज्ञान है? कुदरत कहता है मैं आपको हवा पानी खुराक नहीं दूंगा, बोलो अभी, मतलब नहीं बोल सकता हूं, ना ना अभी दौड़ो, तो मतलब नहीं दौड़ सकता हूं, ताकत तो चाहिए, जब आपने हवाई बंद कर दिया तो। तो कहने का मतलब यही कि कुदरत ये कहती है जन्म से मौत तक मन वचन काया से इंसान जो कुछ भी करता है वो 100% कर्म फल है और वो कुदरत की सत्ता के अधीन है। किसकी सत्ता के अधीन? कर्म आपने किए हैं पिछले अवतार में, मगर फल कौन देता है? कुदरत देता है। आप समझे क्या? नहीं, कर्म करेगा वैसा फल देगा, या भगवान शब्द लगा दिया, मगर भगवान शब्द करे नहीं है, कुदरत है। मैं धीरे धीरे समझाऊंगा आपको। तो कहने का मतलब ये, कुदरत संजोग देते हैं, मगर हम क्या कहते हैं, हमने सोचा, हमने बोला, हमने किया, सामने वाले को क्या कहेंगे, आपने बोला, आपने किया, कहेंगे ना? बस ये अज्ञानता है, और ये अज्ञानता को दृष्टि में से मिटाना है। व्यवहार को मिटाना नहीं है, मिटा भी नहीं सकते हैं, मगर अज्ञानता को मिटाओ। मैंने सोचा, मैंने बोला, मैंने किया, मेरा है, ये तेरा है, ये तुमने किया, ये तुमने बोला, ये तुमने सोचा, ये दिमाग में से निकाल दो। ये सब कुदरत की रचना है, जिसमें शास्त्रों में लिखा ये कुदरत की लीला है। क्या बताया? लीला कहो या रचना कहो, आप समझे। तो ये बात समझनी थी, ये कुदरत की रचना है, हम मन वचन काया से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर भी कुदरत का है, इसका कंट्रोलर भी कुदरत है, और इसका नाश भी कौन करता है? क्रिएटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, तीनों कौन है? इनका उत्पत्ति करने वाला, इनका संचालन करने वाला, और इसका अंत लाने वाला कौन है? कुदरत है, आप समझे। और कुदरत ने ऐसा संजोग क्यों दिया?
आपके कर्मों के फल स्वरूप दिया है। क्या दिया है? कर्मों के, वो भी पिछले अवतार के कर्म, ये अवतार के कर्म नहीं। आप समझे? कृष्ण भगवान का जन्म भी जैन में होता है। कौन से अवतार का कर्म बोलिए, बोलिए। राम को वनवास जाना पड़ता है, कौन सा कर्म बताइए। महावीर को कान में कीड़ा लगता है, कौन सा कर्म बोलिए। हमको पैदा होते ही माता पिता मिलता है कोई पसंद की, है पसंद की? कर्म फल, हमारे कर्मों का। पैदा होते ही माता पिता मिलता है, रहने का मकान मिलता है, धर्म मिलता है, भाई बहन मिलता है, सब कुछ मिलता है। क्यों मिलता है? कर्मों का। जन्म के साथ ही कर्मों के फल की शुरुआत, और वो मरते दम तक रहती है। श्वास भी बंद होता है आयुष्य कर्म के मुताबिक। यस और नो? तो सच्चाई को समझने की कोशिश करो। क्या बताया है? वास्तविकता। ये धार्मिक बात नहीं करता हूं मैं ये सनातन सत्य की बात करता हूं। क्या करता हूं? कोई धर्म संप्रदाय गुरु या भगवान या रिचुअल्स की बात नहीं करता हूं। सनातन सत्य को समझने की कोशिश करो। समझना है? तो ये मशीन है, कुदरत ने बनाया हुआ मशीन, कुदरत ही चलाती है, और कुदरत ही उसका रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, और कुदरत ही उसका अंत लाती है। सब कुछ कुदरत करती है, करवाती है। हमारे पास ये शरीर चलाने की फ्रीडम नहीं है। समझ में आता है कि नहीं आता है? नहीं नहीं आता है तो क्वेश्चन करने का अधिकार है। यहां मैं आध्यात्म विज्ञान की बात करता हूं, इसलिए हर बात को हाजी हा कहना जरूरी नहीं है जहां तक समझ में नहीं आता है। या आगे चेहरे को एक व्यक्ति पहले बार से बोलो ना, फिर आगे पीछे करते हैं। स्वामी जी, ये आंतरिक प्रेरणाएं जो बढ़ती रहती है मनुष्य के जीवन में, अच्छी बुरी जो भी प्रेरणाएं अंदर से आती रहती हैं, इसका मूल स्रोत कैसे? यही कर्मों का फल है। माइक नजदीक रखना, प्रश्न करते समय, और जैसे प्रश्न कर्म खत्म कर दें तो माइक को बंद करो ताकि आवाज नहीं आए। आपके पास हम कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब यह है, ये जो कुछ भी प्रेरणा होती है वो आपके कर्मों के मुताबिक होती है। चोर कहता है मेरे को भी प्रेरणा मिलती है चोरी करने की, नहीं बोलता है। ये नेता ही बोलते कि मेरे को अंदर की आवाज से बोलता हूं, नहीं बोलता है। ये प्रेरणा कहां से होती है? ये आपके कर्मों का फल है, और कोई देने वाला नहीं है। ये आपके ही कर्मों का फल है, और कर्मों के फल के मुताबिक आपको ही आपके जीवन में ये सच्चाई को समझना पड़ेगा कि आखिर ये शरीर जो है जन्म से मौत तक ना, उसमें कोई जगह अगर मेरा कंट्रोल नहीं है तो क्या दूसरे व्यक्ति का कंट्रोल हो सकता है? और नहीं हो सकता है। फिर भी हमारे साथ जो व्यवहार करता है अच्छा या बुरा, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? बोलिए, मेरा कर्म ही जिम्मेदार है। मगर हम कर्मों को नहीं मानते, उनको जिम्मेदार मानते हैं। किसी ने पॉकेट काट लिया, जिम्मेदार किसको मानेंगे? चोर को। किसी को उधार दिया वापिस नहीं देता है, किसको जिम्मेदार मानोगे? जिसको उधार दिया उसको मानोगे ना? ये मेरे कर्म का फल नहीं मानते। बस यही अज्ञानता, यही अज्ञानता को निकालना है। अज्ञानता निकल गई तो राग द्वेष, मैं क्रिया को बदलने की बात नहीं करता हूं, राग द्वेष निकाल दो। वो राग द्वेष को निकलता नहीं क्योंकि अज्ञान है। तो अज्ञान निकालोगे तो राग द्वेष अपने आप। संजोगों को बदलने की बात नहीं करता हूं, मगर दृष्टि को बदलने की बात करता हूं। महाभारत के युद्ध के अंदर कृष्ण भगवान ने अर्जुन की दृष्टि को ही परिवर्तन किया था। जो अर्जुन पहले युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था,
क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरे सामने जो है जिसके साथ मैं युद्ध करना चाहता हूँ वो मेरे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, मेरे पिता माँ हैं, मेरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर, मेरे गुरुजी, सब कुछ मेरे सामने है कि नहीं। तो एक जमीन के टुकड़ों के लिए इनके साथ युद्ध करूं, इनको मार दूं, क्या उसमें मेरी बहादुरी है जिसको मैं मेरा मेरा मानता हूं? आप समझे? तो मैंने मेरे को युद्ध करना और हथियार डाल दिया। तब कृष्ण भगवान ने उनको दृष्टि दिया, इनके साथ संवाद हुआ, जिसको हम आज की गीता बोलते हैं अध्याय। और जब कृष्ण भगवान ने उनको दिव्य चक्षु दिया, क्या दिया? दिव्य चक्षु का मतलब होता है राइट विजन। ये कोई चक्षु नहीं होता है, राइट विजन, डिवाइन विजन। क्या बोलता है? डिवाइन विजन। और कौन सा विजन दिया? वो विजन दिया कि हे अर्जुन, तुम मानते हो कि मैं अर्जुन हूं, यही तुम्हारी भ्रांति है। तुम अर्जुन नहीं हो, तुम शुद्धात्मा हो, तुम शाश्वत हो और अर्जुन टेम्पररी है। और ये अर्जुन कुदरती कानून से चलता है, तुम अपने स्वभाव से चलते हो। तुम और अर्जुन दोनों क्या है? अलग है और अलग ही रहेंगे। ये मर जाएगा तो भी तुम रहेंगे, क्योंकि तुम इससे क्या हो? तुम शाश्वत हो। ये अर्जुन टेम्पररी है, ये अर्जुन कर्मसत्ता से चलता है, कुदरती कानून से, और तुम अपने स्वभाव से चलता है। इसका तो अंत होगा, तुम्हारा अंत। तो तुम दोनों एक कैसे हो सकते हो? हो सकते हो? यही शिक्षा दिया। फिर बाद में अर्जुन ने कहा, अभी तो युद्ध वही कल्याण, युद्ध ही कल्याण। बाद में उन्होंने युद्ध किया और युद्ध के अंदर लाखों लोगों की हिंसा के वो निमित्त बने अर्जुन, मगर वही अवतार में मोक्ष में गए, क्योंकि दिव्य चक्षु, क्योंकि उस समय वो अर्जुन नहीं था। और जो अर्जुन था वो कुदरती कानून से चलता था, तो इसीलिए इसकी जिम्मेदारी मेरी, मगर मैं अर्जुन होता तो जिम्मेदारी। दृष्टि परिवर्तन, क्या बताया? संजोग परिवर्तन नहीं किया, क्या किया? सब्सन, इसको कहते हैं आर्ट ऑफ विजन, देखने की नजरिया। आर्ट ऑफ अवस्था वही की वही है, इसको देने देखने की दृष्टि ऐसी होनी चाहिए ताकि आपकी दृष्टि निर्दोष हो जाए। कैसे हो जाए? और उस निर्दोष दृष्टि से राग द्वेष नहीं बने। आप समझे? तो ये दृष्टि दिया और वही दृष्टि में देने के लिए आया। आप समझे? तो पहले इसको मैंने बताया आत्मा क्या है, इसको भी मैंने साबित कर दिया। आत्मा का स्वभाव सुख वाला है, वो भी साबित कर दिया। पुनर्जन्म है, वो भी साबित कर दिया। कर्म का सिद्धांत है, पैदा होते ही माता पिता मिलता है विदाउट चॉइस, ये कर्मों का फल है, तो कर्मों का सिद्धांत भी साबित कर दिया। और अज्ञानता क्या है वो भी मैंने बता दिया, जिससे राग द्वेष और कर्म बनते हैं। अभी बात ये है, इसे आगे जाते हैं। अगर हमारे जीवन के अंदर हम जब जन्म लेते हैं, या तो हमारा जीवन है या तो हमारी मृत्यु है, और तीनों अवस्थाएं जब कुदरती कानून से चलती है, कुदरत के कानून से ही हमारा जीवन है, तो आज इस बर्थ में हम नए बर्थ के कर्म कैसे चार्ज कर सकते हैं? आपको उत्तर देना है। इस बर्थ में नए बर्थ के कर्म चार्ज कैसे कर सकते हैं? जो गलतियां हो गई हैं अतीत की या वर्तमान में जो हो रही हो, जिनसे हमारा नुकसान हुआ हो, जिसे हमें लगता है कि इससे हमारा नुकसान हुआ, गलतियां हुई, उनकी पुनरावृत्ति न होने पाए, ये संकल्प मन में आए कि अब ये गलतियां दोबारा न होने पाए और श्रेष्ठ कर्मों की साधना होती रहे, तो मेरे हिसाब से शायद एग्जाम्पल
यानी मेरे अंदर जैसे किसी विषय का एक कमजोरी है, उस विषय के कारण मेरा काफी नुकसान होता है, मैं इस संकल्प में ले लूं कि अब तक जो मेरा नुकसान हुआ है या इसकी वजह से मुझे जो क्षति हुई है, अब मैं आगे नहीं चाहता। एक संकल्प लेके अगर मैं तप करूं कि अब मुझे ये नहीं करना है किसी भी कीमत पे, तो शायद उसके अभाव में नया कर्म जो बनेगा वो श्रेष्ठ हो। फिर ये धर्म धर्म क्रिया क्या है? जो धर्म गुरु धार्मिक क्रिया बताते हैं, तप जप पूजा पाठ आरती जो कुछ भी बताते हैं, ये क्या है? ईश्वर वही है, अपने आप को परिमार्जित करने की कला है, अपने आप को शुद्ध, अपने आप को परिमार्जित किया जाए, अपने आप को प्यूरिफाई करने का एक प्रोसेस। नहीं, मगर इम्पोर्टेंट प्यूरिफाई का है या क्रिया का है? क्रिया प्यूरिफाई करने के लिए है, अपने आप को प्यूरिफाई। नहीं, इम्पोर्टेंट किसका है? प्यूरिफिकेशन का, मतलब पवित्रीकरण, अपने को पवित्र करने का। अगर आप आरती नहीं करते तो आप पवित्र नहीं बन सकते हैं। आरती से सुविधा होती है, मन एकाग्र होता है उस क्रिया में, तो अपने आप को कॉन्सेंट्रेशन करने में सुविधा रहती है। वो बराबर है, मगर आरती करने से ही शुद्धि हो सकती है, और नहीं करेंगे तो नहीं होगी। हमारे मन में भी पवित्रीकरण की भावना कि हम अपने आप को शुद्ध रख सकें, उस भावना से भी कार्य किया जाए तो संभव है कि हम आगे उस निकृष्ट कार्य से हम बचे रहेंगे और आगे भविष्य उज्ज्वल रहेंगे। और कोई हमारा पॉकेट काट लेगा तो कोई बात नहीं, पिछला ले लिया उसने, जो उसका लेना था उसने ले लिया। इतना इजीली आप ले सकते हैं? ऐसा होते ही जीवन, खाली बोलने के लिए? नहीं नहीं, बहुत से ऐसे आते लोग ले ही लेते हैं, कभी ले लेते नहीं, ले लेते पसंद नहीं है, ले लेते हैं तो आप स्वीकार कर सकते हो इजीली कि मेरे कर्मों का फल है, कि आप उसको कोर्ट में ले जाओगे? नहीं नहीं नहीं, जो ले गया वो ले लिया उसने, तो उसको क्या छीनना उससे। यही मानो भैया अच्छे के ले लिया, अभी ले लिया, बाद में लेता पता नहीं क्या क्या लेता है। हाँ, उसे याद ही लेता है। बराबर है बात है, मगर बराबर बात है, मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जब साधु संत सन्यासियों के पास जाते हैं तो आपको जो पुरुषार्थ की बातें बताते हैं, अच्छे कर्म करने की बात बताते हैं, वो क्या बताते हैं जो आप सुनते हैं? वो बताओ मेरे को, सुनते भी और मानते भी हैं, वो बताओ। पुरुषार्थ से ऐसा लगता है कि मुझे ईश्वर ने जो कार्य दिया है, साधु संत जो बताते हैं उसकी बात करता हूं। साधु संत जी जो बताते हैं वो अपने भी एक मार्गदर्शन है कि आप उस दिशा से जाएंगे तो ईश्वर की से। हाँ, तो वो क्या बताते हैं वो बताओ। प्रातः काल जल्दी उठें, पूजा पाठ करें, मन को शुद्ध अच्छे कार्य में लगाए रखें, नियमित दिनचर्या रखें, प्राणायाम करें, अपने आप मन को जितना हो सके शुद्ध करें, विचारों का परिवर्तन ही मेरे ख्याल से शायद उनका उद्देश्य रहा है। इससे अधिक तो सर आपकी बताएंगे, आपकी प्रतीक्षा है। क्योंकि हम देखो बचपन से लेके आज तक हम यही मानते रहे हैं और हम यही सुनते आ रहे हैं, हम यही पढ़ते आ रहे हैं किताबों में से कि धार्मिक क्रिया करने से पुण्य बनेगा और पुण्य से आपका जीवन अच्छा बनेगा। यही बात क्रिया से जुड़ी थी। क्या थी? धार्मिक क्रिया, तप करो, जप करो, पूजा पाठ करो, माला करो, आरती करो, भक्ति करो, सेवा करो, सब में क्या आता है? क्रिया आता है। क्या आता है? और हर धर्म गुरु यही बताने की कोशिश करते हैं, ऐसे करने से ही आपकी उन्नति होगी, आपका भविष्य अच्छा होगा, आपका कर्म अच्छा बनेगा। बताते हैं कि नहीं बताते? ये तो क्रिया की बात हो गई। मैं हर धर्मों की बात करता हूं, मैं एक कोई धर्म संप्रदाय के व्यक्ति की बात नहीं करता हूं, मैं कॉमन बात करना चाहता हूं। तो क्या कोई भी क्रिया, धार्मिक कहो या सामाजिक कहो, क्या कोई भी क्रिया हमारे हाथ में है? बोलिए। नहीं है। जब हमारे हाथ में नहीं है तो क्या हम जो कुछ भी करते हैं इसमें से कोई भी क्रिया को हम पुरुषार्थ बोल सकते हैं? जब हमारे हाथ में नहीं है तो पुरुषार्थ बोल सकते हैं? कर्म माइक दे।
कर्म हमारे हाथ में है, फल ऊपर वाला देता है। मगर कौन सा शरीर है तो हम कर्म करने के लिए ही शरीर मिला है, और कर्मों में कैसे परिशुद्धि होगी? सदाचरण जो कहते हैं, जो संत लोग बताते हैं, आप लोग जो बताते हैं, अपने आचरण की शुद्धि के लिए ऐसे ऐसे कर्मों को करते जाए, क्योंकि कर्म करने की स्वतंत्रता, कर्म प्रधान विश्व कई राखा, जो जस करे तसे फल चाहा। आगे आपकी चाहूंगा कि हमारी जो अज्ञानता के आधार से जो मान्यता बनी हुई है, वो मान्यता ये है कि हम कोई धार्मिक क्रिया करेंगे, या कोई शुभ क्रिया करेंगे, या कोई मानवतावादी क्रिया करेंगे, तभी हम पुण्य, हमारा पुण्य बनेगा, और यही क्रियाओं को करना चाहिए, ऐसा हम मानते भी हैं, पढ़ते भी हैं और करते भी हैं। तो ये बात हो गई क्रिया की, अंदर की बात नहीं है, जो कोई भी व्यक्ति उनको देख सकता है। या सुन लो, तो ये तो हमारे हाथ में है ही नहीं। मैंने पहले भी कहा, जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है, ये सब कर्म फल है। क्या है? और वो कुदरती कानून के अधीन है। हमको नहीं करना चाहिए, फिर भी करना पड़ता है, और जो करना चाहिए वो भी नहीं कर सकते। यानी हमारे हाथ में क्रिया तो है ही नहीं। तो जो क्रिया हमारे हाथ में नहीं है, इसको हम कर्म कैसे कहेंगे? कर्म फल बोल सकते हैं, कर्म नहीं बोल सकते। राम को वनवास जाना पड़ा, क्या वो कर्म था या कर्म फल था? कृष्ण भगवान का जन्म जैन में हुआ, वो कर्म था या कर्म फल था? राम को रावण के साथ युद्ध करना पड़ा, वो कर्म था या कर्म फल था? कृष्ण भगवान अर्जुन को साथ में रख के युद्ध करना पड़ा महाभारत का, वो कर्म था या कर्म फल था? और मेरा प्रश्न कर्म से है, कर्म फल से नहीं है। क्या बताया? मेरा कर्म किससे जुड़ा है? कर्म। कर्म और कर्म फल के बीच में कितना अंतर है? एग्जाम और रिजल्ट दोनों एक है या अलग है? पहले एग्जाम होती है कि रिजल्ट होता है? और बाद में? तो जन्म से मौत तक जो कुछ भी करते हैं मन वचन काया से, वो तो रिजल्ट है। तो इसको आप एग्जाम कैसे बोल सकते हैं? वो कर्म फल है, इसको आप कर्म कैसे बोल सकते हैं? एक ही क्रिया को दो टाइटल तो नहीं लगेगा ना? कर्म भी कहेंगे, कर्म फल भी कहेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना? दोनों में से एक ही लगेगा ना? मगर हमारे पास इसका सही ज्ञान नहीं है, बस ये कंफ्यूजन है, यही अज्ञान है। और यह ज्ञान को मिटाने के लिए आया हूं मैं, आपकी क्रियाओं को, धर्म को, गुरु को, भगवान को परिवर्तन कराने के लिए नहीं आया हूं मैं, आपकी सबकी अज्ञानता को मिटाने के लिए आया हूं। आप समझे? अज्ञानता को मिटाने के लिए। जो आज तक हमने सही माना था वो गलत निकलता है। तो कर्म बनते हैं भाव से, किससे बनते हैं? कर्म क्रिया से। जैसा भाव वैसा भाव, जिसका भाव बिगड़ा इसका, जिसकी क्रिया बिगड़ी इसका भाव बिगड़ा, कौन से शास्त्र में है? कोई जगह पे? मगर हम कितने सालों से, कितने अवतारों से क्रिया को ही पुरुषार्थ मानते हैं। हालांकि पुरुषार्थ कैसे होता है? जैसा भाव वैसा भाव, जैसी मति वैसी गति, जैसी क्रिया वैसी गति, कोई शास्त्रों में लिखा है? फिर भी आज हम जहां भी जाएंगे धर्मगुरुओं के पास, तो यही बताएंगे आप अच्छी क्रिया करते रहो तभी आपको पुण्य मिलेगा, तभी आपका अच्छा लाइफ बनेगा, यही कहते हैं। तो सच्चाई को समझो। क्या बताया? सच्चाई को भाव से भाव होता है, क्रिया से भाव नहीं है। भाव से भाव को एग्जाम है, तो एग्जाम अंदर होती है, और मन वचन काया से जो कुछ भी करते हैं वो रिजल्ट है। क्या है? और एग्जाम जो मन वचन काया से या पांच इंद्रियों से दिखता है, ये सब रिजल्ट है। तो कहने का मतलब ये भाव से भव है। क्या बताया? क्रिया से भव। लाखों लोगों की हिंसा करने के बाद भी राम वही अवतार में मोक्ष में गए,
लाखों लोगों की हिंसा करके भी अर्जुन वही अवतार में मोक्ष में गए, यह सुनो। और हम चीटी बचाते बचाते यहां घूमते हैं, हम तो किसी को मारते नहीं। तो क्या कुदरत का कानून सबके लिए एक होगा कि अलग होगा? तो फिर हम किसी को नहीं मारते, फिर भी यहां घूमते हैं, और लाखों लोगों को मारा फिर भी मोक्ष में गए, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर अज्ञान नहीं था, हमारे अंदर। और अज्ञान से राग द्वेष होता है, क्रिया से राग द्वेष नहीं होता है। समझ में आया? राम के पास भी अज्ञान नहीं था और अर्जुन के पास भी अज्ञान, तभी कर्म बंध नहीं हुआ। क्रिया तो ऐसा था कि उन्होंने लाखों लोगों का हिंसा कर दिया, मगर क्रिया से कर्म बंध जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है, मगर अज्ञानता से राग द्वेष होता है और इसी से कर्म बंध, क्रिया से कर्म बंध नहीं। तो सबको समझ में आता है कि नहीं आता है? प्रश्न करना है तो करो। रुपया वो भावना कैसे करें, वो भाव कैसे करें जिससे हम कर्म बंधन में ही ना पड़े? वो तो एक प्रश्न और अर्जुन ने किया था कि कैसे व्यक्ति गुणातीत हो जाए कि वो अपने मतलब बंधनों से छूट ही जाए। जो कार्य मैं करता ही नहीं हूँ, मैं उसका फल मैं क्यों भोगूं? यदि मैं शुद्ध आत्मा हूँ तो जो कार्य मैंने किया ही नहीं, जो मेरे मित्र ने किया, जो मेरे साथ रहता है वो कर रहा है और फल मैं भोग रहा हूँ। वो चोरी कर रहा है, जेल में जाना पड़ रहा है, वाई जो मेरे साथ है, तो उस मित्र को मैं कैसे समझाऊं कि भैया तू अच्छा बन जाए या हमेशा के लिए मेरा ही हो जाए या मैं उसका बन जाऊं, कैसे होगा? कर्म कौन बनाता है? अभी कर्म बात करूं तो कर्म फल बीच में जॉइंट नहीं करने का, दोनों के पास लाइन लाइन डिमार्केशन। मैंने बता दिया कर्म का मतलब भाव और मन वचन काया का मतलब कर्म फल। अभी आपका प्रश्न है, मेरा प्रश्न है कर्म, कर्म कौन बनाता है, भुगतान कौन करता है, मेरा प्रश्न नहीं है। ठीक है, उत्तर दो। प्रश्न थोड़ा क्लिष्ट, कर्म कौन बनाता है, कर्म कौन भुगतान करता है? तो मैंने बोल दिया मन वचन काया, उत्तर मिल गया। अभी मेरा प्रश्न है कर्म कौन बनाता है जिससे नया बर्थ मिलता है? मन वचन के द्वारा। तो आपने जो प्रश्न किया तो प्रश्न का उत्तर, प्रश्न तो सही तरह से पेश करना चाहिए ना। तो कहने का मतलब यह है कर्म भाव से बनते हैं और भाव करने का काम मन वचन काया का नहीं है और न ही आत्मा का है। क्या बताया? आत्मा तो शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध रहेगा, और आत्मा खुद ही अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति वाला है, तो वो कर्म क्यों करेगा? जिसमें कोई कमी ही नहीं है वो कर्म क्यों करेगा? और ये मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का जड़ साधन है, तो वो कर्म भी नहीं कर सकता। जड़ कर्म कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ये भी क्या है? तो ये भी कर्म नहीं कर सकता है। आत्मा को जरूरत नहीं है क्योंकि वो पावरफुल है। तो कर्म कौन करता है ये प्रश्न है। अभी तक आपने सुना है तो बताइए, पढ़ा है तो बताइए, सोचा भी नहीं है अभी तक। यही तो बात है, जीवन चलता ही रहता है, जन्म मरण होता ही रहता है, वास्तविकता मालूम नहीं है, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सिंपल परिभाषा नहीं मालूम है कर्म कौन बनाता है, कर्म के भुगतान कौन करता है, ऐसा सिंपल ज्ञान भी इतने सालों के बाद धार्मिक क्रिया करते करते भी ये ज्ञान तो हमको नहीं मिला, जो पाया की बात है। ये कोई बड़ा ज्ञान
नहीं है, कर्म और कर्म फल क्योंकि बड़ी बात है ना, उसका ज्ञान भी हमारे पास सही नहीं है। अभी आगे कैसे बढ़ोगे? तो कर्म भाव से बनते हैं, और भाव कौन करता है? भाव न शरीर करता है न आत्मा करता है। भाव न शरीर करता है न आत्मा करता है। भाव करने का काम जो है वो प्रतिष्ठित आत्मा का है। कौन से आत्मा का? प्रतिष्ठित, जो प्रतिष्ठा करता है। अज्ञानता के बस राग करता है, द्वेष करता है, क्रोध करता है, मान करता है, माया करता है, लोभ करता है, अंदर की बात करता है। इसी से नया कर्म बनता है। आप समझे? क्रिया से नहीं। तो ये प्रतिष्ठित आत्मा है वो जीवंत अहंकार है, लाइव ईगो। क्या बोलते हैं? लाइव ईगो। वो लाइव, वो कहता है करता तो ये है, बोला मैंने किया है। साधन उनको मिलता है, बोला ये मेरा है, वो अंदर मानता है मेरा है, मिलता है इसको है। बराबर है कि नहीं? तो हर बात में, हर व्यवहार उनके साथ होता है, मानता है वो ये मेरा है, मैंने किया, ये आपने किया, ये आपने ले लिया। आप समझे? ये अज्ञानता अंदर पड़ी है, क्रिया बाहर है, और अज्ञानता, और वो अज्ञानता से कर्म बनते हैं। क्या बनते हैं? वो अज्ञानता से कर्म बनते हैं। तो तीन बात, तीन चीजें हैं, आत्मा, प्रकृति, इसको प्रकृति बोलते हैं, और प्रतिष्ठित आत्मा। ये प्रतिष्ठित आत्मा के पास अज्ञान है, वहां तक कर्म बनते रहेंगे, और जन्म मरण के चक्कर में घूमना ही पड़ेगा। आप चाहे राम को मानो, कृष्ण को मानो, महावीर को मानो, शिव को मानो, किसी को भी मानो, मगर आपको घूमना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर अज्ञान है। अज्ञान से जन्म मरण होता है, कोई व्यक्ति को मानने न मानने से जन्म मरण नहीं होता है। प्रतिष्ठित आत्मा कैसे अच्छी बने? प्रतिष्ठित आत्मा भाव है वो शुद्ध तो आगे कुछ पढ़े। प्रतिष्ठित आत्मा को जब ये दुनिया का सनातन सत्य का, शाश्वत सत्य का ज्ञान मिलेगा, तभी ये दुनिया में उनका मालिकी भाव और कर्ता भाव खत्म हो जाएगा। और जब मालिकी भाव और कर्ता भाव खत्म हो गया, मैं करता हूँ, वो करता है, ये करते हैं, ये खत्म हो गया, मेरा है, तेरा है, उनका है, ये खत्म हो गया, तो फिर राग द्वेष होने का कोई कारण भी नहीं है। मगर बिना सनातन सत्य समझे ये अज्ञान जाएगा नहीं। तो सनातन सत्य को समझना पड़ेगा। कौन सा सत्य? जो शाश्वत सत्य है वो समझना पड़ेगा। कृपया करके वो जो अज्ञान है कैसे, जितना जल्दी दूर उतना अच्छा है। तो ये अज्ञान जो है वो सबसे पहला अज्ञान ये है कि मैं शरीर हूं। क्या बताया? सबसे पहला और बड़ा अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूं। क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शुद्धात्मा हूं। इसको तो जला दिया जाएगा, मैं जलूंगा, मगर अज्ञानता के बस मैं खुद को नहीं पहचानता हूं, और जिसको पहचानता हूं वे मैं नहीं हूं, फिर भी मैं मानता हूं। यही मेरी अज्ञानता से राग द्वेष होते हैं, यही मेरी अज्ञानता से कषाय होते हैं, और यही मेरी अज्ञानता से कर्म बनते हैं। सबसे पहली अज्ञानता ये मिटाओ कि मैं शरीर हूं, वो मिटाओ। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और शरीर वो कुदरत ने दिया है, वो कर्मों के भुगतान का साधन है। जब कर्म खत्म हो जाएगा तो साधन को जला दिया जाएगा, मैं जलने वाला नहीं हूं। अगर मैं जल गया तो फिर पुनर्जन्म किसका होगा? तो जलता है वो मैं नहीं हूं, और मैं कभी जलता, ये पहला अज्ञान निकालो अंदर से, दृष्टि में से। कहां से?
दृष्टि में से, सोच में से, समझ में से पहला अज्ञान निकालो। दूसरा अज्ञान यह है कि ये मन वचन काया और उनके साथ जो व्यवहार होता है व्यक्ति का साधनों के साथ, व्यक्ति व्यक्ति के साथ और व्यक्ति और साधनों के साथ जो व्यवहार होता है, ये शरीर मैं चलाता नहीं हूं। क्या बताया? शरीर मैं नहीं चलाता हूं, ये शरीर कुदरती कानून से चलता है। किसे चलता है और क्यों क्यों कुदरती कानून चलता है? क्योंकि आपने कर्म कर दिया है तो फल तो उनकी मर्जी से मिलेगा। तो मैंने पहले भी कहा, मन वचन काया वो कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है, तो इनको तो भुगतान करना ही पड़ेगा क्योंकि उसका रोल ही वही है। अगर भुगतान नहीं है तो उसका आयुष्य भी खत्म हो गया, इसको जला दिया जाएगा। उनका रोल ही कर्मों की भुगतान का है, मगर ये शरीर को मैं चलाता हूं वो अज्ञान निकाल दो। पहले मैं शरीर हूं वो निकाल दो, दूसरा ये शरीर को चलाने वाला मैं हूं वो भी निकाल दो। अगर ये शरीर को मैं नहीं चलाता हूं तो ये बाकी लोग जो मेरे साथ मिले हुए हैं इनका शरीर कौन चलाता है? बोलिए। तो कुदरत चलाता है तो मैं किसी के साथ राग द्वेष क्यों करता हूं? अज्ञानता निकालो। निकालना क्या है? मेरी हर बात पे ये आएगा कि आपको अज्ञानता निकालनी पड़ेगी, दृष्टि बदलनी पड़ेगी। मेरी कोई बात ऐसी नहीं होगी कि आपको मन वचन काया की क्रिया बदलनी पड़ेगी, वो मेरी बात नहीं होगी। मेरी हर बात दृष्टि के ऊपर है, जैसी दृष्टि वैसी। हम सृष्टि को तो नहीं बदल सकते हैं, दृष्टि को तो बदल सकते हैं ना। जब राम को वनवास हुआ कई कई के निमित्त से, तब राम ने कई कई को दोषी देखा या निर्दोष? और आज जब भी हम रामायण सुनते हैं और जब राम को वनवास होता है तो हम कई कई को क्या देखते हैं? दोनों में क्या फर्क है? दृष्टि का ही तो फर्क है ना। एक के पास ज्ञान है तो इसको निर्दोष देखते हैं, दूसरे पास अज्ञान है तो दोषित देखते हैं, तो उनका फल मिलता है। आप समझे कि नहीं? बात यह है, हमारी दृष्टि में जो अज्ञान है इसको निकालना पड़ेगा, वो भी सनातन सत्य को जानकर। धार्मिक सत्य नहीं, सनातन सत्य जो सबके लिए एक है। आप समझे? तो हर बातों को उसी एंगल में समझना पड़ेगा। अगर ये नहीं समझेंगे तो हमारे आध्यात्म के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में प्रगति संभव नहीं है। सिर्फ पाप पुण्य से हमारा जीवन चलता रहेगा। तो ये सनातन सत्य को समझना पड़ेगा। और सनातन सत्य की बात बताता हूं, इसका ही नाम है आध्यात्म विज्ञान, जो पूरे विश्व के लिए एक ही है। माने तो भी वही है और ना माने तो भी नहीं। कुदरत का कानून हमारी या तुम्हारी मान्यता से नहीं चलता है, हम नहीं मानते हैं, वो हमारी अज्ञानता है। तो निकालना तो हमको अज्ञान है, कुदरत को तो निकालना है ही नहीं। कुदरत कहेंगे तुम्हारे पास जो अज्ञान है इससे जो कर्म बनेगा मैं उसका फल लूंगा, अगर अज्ञान नहीं है कर्म नहीं बनेगा तो फल भी। सिंपल बात है। इसमें आप राम को मानो, कृष्ण को मानो, महावीर को मानो, वो बीच में। आपको तप करो, जप करो, क्रिया काम करो, वो बीच में। आप ये गुरु को मानते हो, ये संस्था को मानते हो, वो बीच में नहीं आता है। जब अज्ञान मिटाने का है तो बाहर की बात ही क्या है? मगर ये सच्चाई नहीं समझ में आई तो फिर बाहर की बातों में हम उलझ गए और उससे फिर आगे बढ़ने का रास्ता भी नहीं मिला। फिर धर्म और संप्रदाय, गुरु और भगवान की कट्टरता में ऐसे जुड़ गए ताकि यही कट्टरता के कारण हम वास्तविकता को कभी समझ नहीं पाए। समझ में आया?
जिसको जो प्रश्न करना है वो करें। ज्ञान की पहली सीढ़ी तो आपने बता दी, शरीर नहीं हूँ। दूसरा ये बताते हैं कि जो कर रहा है वो भी मैं नहीं हूँ, मेरे भाव नहीं है। तीसरा उसके आगे भी और थोड़ा सा और बताएंगे भी, उत्सुकता और जाग रही है। और कौन कौन से ज्ञान है आप प्रश्न करो तो मैं उत्तर दूं। मैंने आपको बेस तो बता दिया, ठीक है। हमारे अभी आप प्रश्न करो कि मेरे को ये जानने की जरूरत है, या तो मैंने ये जाना है वो सही है कि नहीं है, सुना है पढ़ा है वो सही है कि नहीं है, ऐसा कोई भी प्रश्न करो तो प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। मैंने बेस तो आपको बता दिया, ठीक है। हमारे और कितने अज्ञान हैं जिनको हमें शोधन करना आवश्यक है भावना से? ये दो अज्ञान, दो प्रकार का अज्ञान वो फंडामेंटल जी, और बाकी प्रकार के जो अज्ञान है वो उनकी ब्रांचेस है। अच्छा, ब्रांचेस समझते हैं? समझ गया। ये मेन पिलर है, क्या है पिलर समझते हैं? बाकी सब ब्रांचेस है। जैसे पैर इतना बड़ा खड़ा है मगर पैर का जो बीज होता है वो तो बहुत छोटा होता है, आप समझे? तो इतना बड़ा पेड़ लगता है कि कितना भारी है, मगर मैंने अंदर से उसका रूट निकाल दिया तो पेड़ ही गायब, मर जाएगा। तो बाहर का पावर वो पावर नहीं है, पावर कहाँ है? तो कुदरत कहते हैं यहाँ पावर नहीं है, सत्ता संपत्ति सवन साधन में पावर नहीं है। पावर किस में है? आत्मा में है, और दूसरा पावर है अज्ञान में, जिसके आधार से आपको जन्म मरण लेना ही पड़ता है। या तो आत्मा में पावर है जो अनंत पावर है, या तो अज्ञान में पावर है जिसे कर्म बनता है और जन्म मरण के चक्कर में घूमना पड़ता है। अज्ञान नहीं होता है तो जन्म मरण भी नहीं होगा, तो ये तो पावर तो है, अज्ञान भी पावर है। वही तो मैंने कहा, अहम कहो या लाइव जीवंत अहंकार बोलो, क्या बोलो? अहम तो कहो मगर जीवंत, मैकेनिकल नहीं। ये मैंने खाया, ये मैंने पानी पिया, ये मैंने देखा, ये मैकेनिकल अहंकार है। अहंकार जीवित होना चाहिए तभी कर्म बनेंगे। मैकेनिकल अहंकार को दूषित नहीं है, वो तो क्रिया किया उसकी बात करते हैं, मगर क्रिया के पीछे जो अज्ञान है वो अज्ञान नहीं होना है। भाई मैंने खाया, खाना खाया तो शरीर बोल सकता है कि मैंने खाना खाया, मगर अज्ञान जो अंदर पड़ा है कि मैं आत्मा हूं वो नहीं बोल सकता है कि मैंने खाना खाया। तो कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी ये मैं शरीर हूं ऐसा मैं कैसे बोल सकता हूं, ये शरीर मेरा है वो कैसे भूल सकता हूं? तो मैंने कहा देखो भूलने की जरूरत नहीं है, आपकी दृष्टि करेक्ट करो। आप ये कहोगे कि मकान मेरा है, आप ये कहते कि मैं मकान हूं, आप कहते कार मेरी है मैं कार हूं बोलते हैं, तो आप कहो शरीर मेरा है मैं शरीर नहीं हूं, तो क्या तकलीफ है? बोलते नहीं हो, बोलो शरीर मेरा है मगर मैं शरीर नहीं, मकान मेरा है मगर मैं मकान नहीं, कार मेरी है मगर मैं कार नहीं। इतना तो समझना पड़ेगा ना कि शरीर आपका है मगर आप शरीर नहीं। इतना तो समझो, शरीर को तो एक दिन जला दिया जाएगा, कार चली जाएगी, मकान भी चला जाएगा, तुम तो रहोगे कि नहीं? तो तुम और शरीर एक कैसे हो सकते हो? तुम और मकान एक कैसे हो सकते हो? तुम और कार एक कैसे हो सकते हो? हो सकते हो? यही अज्ञान को मिटाओ, बराबर है कि नहीं? इसकी कोई विधि भी है कि इसको अच्छे से मिटाने की, और कोई विधि भी है प्रतिदिन कर सके? विधि की जरूरत नहीं है, जागृति की जरूरत है। क्या बताया? लोग विधि करते 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 फिर आपको उल्लू बना देते हैं, अभी ये करो फिर ये करो ये करो फिर ये करो, फिर वास्तविकता आपको मालूम नहीं होगी। स्वामी बोलिए प्लीज। स्वामी जी मेरा निवेदन ये था कि जो सांसारिक विषय वासनाएं होती हैं बड़ी प्रबल होती हैं, और अब इसको चाहे जीव कहें मन कहें या जो भी कहें, आकर्षण बहुत ज्यादा तीव्र होता है, तो इसके प्रति ज्ञान भाव ना प्रबल कैसे दृढ़ कर लिया जाए कि इसके प्रति आसक्ति ना बनने पाए? कोई इसकी तकनीकी
संसारी चीज की बात करते हैं ना जी। हाँ मैं उसका उत्तर दूं। देखो सिंपल बात यह है, कुदरत का कानून क्या कहता है, ये दुनिया में शरीर भी आपका नहीं है, तो सत्ता संपत्ति संबंध और साधन आपका हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है, फिर भी कुदरत ने आपको शरीर भी दिया और सत्ता संपत्ति संबंध और साधन भी दिया। क्यों दिया? कर्मों के भुगतान के लिए। मगर वो आपका तो नहीं है, आपका तो नहीं है, कुदरत ने भुगतान के लिए दिया और फिर ले भी लेंगे, शरीर भी दिया वो भी ले लेंगे, संबंध दिया वो भी ले लेंगे, सत्ता दिया वो भी ले लेंगे, साधन दिया वो भी ले लेंगे, संपत्ति दिया वो भी ले लेंगे, यस और नो? तो हमारा क्या है? जब शरीर हमारा नहीं है तो और क्या हमारा हो सकता है वो बताओ। मगर फिर भी अज्ञानता के बस मानता है मेरा है मेरा है, यही अज्ञानता को निकालना है। वचन काया का जो सब्जेक्ट है वो अध्यात्म में नहीं आता है, क्योंकि वो मैकेनिकल भाग है और कंपल्सरी है। इसमें जितना डीप में जाओगे कोई बेनिफिट नहीं। अगर आपको डीप में जाना हो तो दृष्टि में जाओ, कैसे करके मैं अपनी दृष्टि में से अज्ञान को मिटाऊं, और वो भी विज्ञान से यानी सनातन सत्य समझ के अज्ञान को मिटाऊं, और कोई रास्ता अज्ञान मिटाने का नहीं है। और प्रकृति को तो परिवर्तन हम कर ही नहीं सकते, क्या बताया, कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। जब राम के पास अगर पावर होता तो वो मृगजल के पीछे दौड़ते क्यों? बोलते नहीं है। अब बोलते हैं, आम लोग कैसा बोलते हैं कि ये बहुत धार्मिक आदमी है, पर इसके व्यवहार तो ऐसा है वैसा है, ऐसी मतलब नहीं। मैं राम की बात करता हूं, राम क्यों मृगजल के पीछे दौड़े? ताकि रावण सीता को ले गए, तो उनके पास ज्ञान नहीं था कि ये बरामद है, बोलते नहीं हो। मगर कर्म सत्ता के आगे किसी की चलती तो बात ये समझो, इसमें परिवर्तन करने की बात है ही नहीं। और आप जब जितनी भी बात करते हो परिवर्तन करने की करते हो, मैंने बोला मन वचन कहा कि कोई अवस्था का परिवर्तन होता ही नहीं है, हो सकता भी नहीं है, कर सकता भी नहीं है, फिर ये सब्जेक्ट क्यों? और मैंने पहले भी कहा कि आप दृष्टि में से अज्ञान मिटा सकते हैं तो प्रश्न उसके लिए होना चाहिए, इसके लिए नहीं होना चाहिए। और बार बार इसका प्रश्न करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। जब ये हम नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, तो इसके बारे में प्रश्न करने से क्या फायदा? शरीर हम नहीं है, शरीर को चलाने वाले हम नहीं है, तो इसके बारे में प्रश्न करने से क्या फायदा? मगर दृष्टि हमारी है और दृष्टि में अज्ञान पड़ा है, वो हम मिटा सकते हैं अगर सही विज्ञान मिले तो बात उसकी करनी चाहिए। जहां हमारे पास फ्रीडम है इसकी बात करो, जहां फ्रीडम ही नहीं है वो बात करने से क्या मतलब? तो दृष्टि को परिवर्तन करना है, अज्ञान को मिटाना है। तो इसीलिए मैंने कहा यह अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान नहीं चाहिए, अज्ञान को मिटाने के लिए विज्ञान चाहिए, क्योंकि ज्ञान वो भी सांप्रदायिक सत्य है। एक के लिए राम भगवान, एक के लिए कृष्ण, एक के लिए महावीर, एक के लिए शिव, एक के लिए स्वामीनारायण। अभी किसको गलत कहोगे? तो मैं ज्ञान की बात नहीं करता हूं, मैं विज्ञान की बात करता हूं जो सबके लिए। ज्ञान तो सबके लिए अलग अलग है क्या नहीं? भी तुम्हारी 11 अलग, तुम्हारी 11 अलग, तुम्हारी 11, भी किसको गलत कहोगे आप? तो ये ज्ञान की बात नहीं है, विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है कुदरत का कानून जो सबके लिए क्या है, वो बात जानोगे तभी आपके अंदर से जो दृष्टि में अज्ञान है वो निकलेगा, नहीं तो निकलेगा नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। सबको समझ में आता है कि नहीं आता है? धीरे धीरे समझ में आता है, दिमाग में बैठता है ना कि ऊपर चला जाता है? नहीं, नहीं समझ में आता है तो प्रश्न करने का आपको अधिकार मैंने दिया है। ऐसे तो मैं नहीं कहता हूँ कि मेरी बात आप सुन लो, समझ लो, स्वीकार कर लो, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। मैं आपको हर बात को समझाने की कोशिश करता हूँ,
मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरी बात स्वीकार कर लो या मान लो, मगर मैं सभी बातों को एक्सप्लेन करता हूँ सिद्धांत के रूप में, उदाहरण के रूप में, और बाद में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और फिर भी कहता हूँ कि आपको समझ में नहीं आता है तो आप प्रश्न कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं? आज देखो हिंदुस्तान के अंदर कितने सारे धर्म हैं और कितने सारे धर्म गुरु हैं, क्या कोई प्रश्न करने का अधिकार देते हैं? देते हैं? कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। ऐसा कहो कि 98% नहीं देते, ऐसा पहला बोलो तो आपको प्रश्न किया जाएगी फिर। कुछ लोग का मतलब 50% है, ऐसा नहीं है। रैंडम बात मत करो, ऑथेंटिक बात करो कि 98% लोग तो प्रश्न करने की इजाजत नहीं देते हैं। हम जो कहेंगे, प्रवचन कहे, उपदेश कहे, कथा कहेंगे, वो आपको सिर्फ सुनना है, प्रश्न करना नहीं है। 2% में लोग प्रश्न करते हैं, प्रश्न करने के लिए बोलते हैं, तो 2% में से मोर देन 1% तो ऐसा होता है कि जो फिक्स बातें हैं वो आपको बता देते हैं, उनमें कोई अनुभव की बात, जो किताब में लिखी है वही आपको बता देते हैं। जब प्रश्न किया तो उत्तर तो फिक्स है उनके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसमें से एक लेकर के बता देते हैं आपको। क्या कहते हैं भी आप कहोगे कि मेरे को बहुत टेंशन है तो बोला ये माला गिन लो, या पूजा कर लो, या आरती कर दो, या तो फिर कहेंगे आपने पाप बहुत पाप किया है तो प्रायश्चित करो। तो आंसर तो फिक्स है, तो फिक्स आंसर को आप साइंस कहेंगे, ये उत्तर को उत्तर नहीं कहेंगे। आप समझे कि नहीं समझे? ये तो आपके मन को बहलाने के लिए है। अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजर के पास गए और आपने कहा कि मेरे को इतने इतना प्रॉब्लम्स है, तो उन्होंने कहा प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा 6 महीने में 12 महीने में, मगर इतना इतना जाप वगैरह करना पड़ेगा, ये विधि वगैरह करना पड़ेगी, और इसके लिए आपको 10,000 रुपया 15,000 25,000 रुपया आपको देना पड़ेगा, ठीक है? वो देने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है, मगर आपका मन तो बहलाता है कि नहीं चलो भाई 6 महीने 12 महीने में तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर 12 महीने के बाद की बात है, फिर आप उनके पास जाओगे, नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, बोला मैंने 25,000 रुपया दिया अभी सॉल्व नहीं हुआ, तो बोला कोई बात नहीं तुम्हारा कर्म भारी था, अभी और ज्यादा बड़ी विधि करनी पड़ी तो और 50,000 रुपया दो, मगर फिर भी गारंटी, मगर फिर भी वहां जाते हैं। तो ये उत्तर है, ये उत्तर है, आप इसको उत्तर कहेंगे? जो स्टैंडर्ड आंसर होता है उसको आप उत्तर कहेंगे? जिसमें उत्तर देने वाले खुद कहते हैं मेरे को कोई अनुभव नहीं है, मैंने जो पढ़ा है सुना है वो मैं आपको बताता हूं, आप इसको उत्तर कहेंगे? आप दो बातें समझो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टीचर एंड साइंटिस्ट। एक व्यक्ति साइंस पढ़ाता है क्योंकि वो टीचर है, और दूसरा साइंटिस्ट है जो रिसर्च करके बताता है। दोनों में से वैल्यू किसकी है? मगर टीचर भी वही पढ़ाता है, सीखा हुआ, बोले ना अभी बोले आप सीखा हुआ, तो उत्तर देने वाले कौन है? सीखा हुआ है, खुद का है उत्तर देने वाला साइंटिस्ट है, वो ऐसा कहता है कि मेरा अनुभव है। बोलिए, नहीं नहीं, आपने जहां भी गए और जहां से भी आपने उत्तर दिया, वो उत्तर देने वाला कहता है कि मेरा अनुभव है, तो फिर भी आप उसको साइंटिस्ट कहेंगे? तो मैंने कहा तो सही, किताबों की बात जो पढ़ी पढ़ाई हुई है उसका उत्तर देते तो उसको टीचर बोलो, साइंटिस्ट कैसे बोल सकते हैं? टीचर कहो, क्या बताऊं, टीचर कहो, साइंटिस्ट कैसे बोल सकते हैं? वो कहेगा मेरा अनुभव है, आज मैं जो कुछ बोल रहा हूं ये मेरा अनुभव है, दुनिया की कोई किताब में नहीं है, और जो भी मैं बता रहा हूं इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, और कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। तो यह अनुभव की बात है, हर प्रश्नों का मैं जवाब देता हूं वो किताबों में नहीं है, हर उदाहरण देता हूं वो किताबों में नहीं है, तभी मैं बोल सकता हूं कि मेरा अनुभव है। मगर जो लोग कहते हैं किताबों में जो पढ़ा है सुना है वो आप बता दो, फिर भी आप कहते हैं वो अनुभवी है,
तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि किसको हम अनुभवी कहते हैं या किसको अनुभवी नहीं कहते। ज्ञान तो सही होना चाहिए। आप टीचर को कहेंगे कि आप साइंटिस्ट हैं, अनुभवी, तो क्या होगा फिर? टीचर जो किताब में लिखा है वो आपको पढ़ाता है, वो भी अपने सोच के मुताबिक, उनका खुद का सर्जन, ये बात है। और मैं जो बोलता हूं वो किताबों में नहीं है, ये मेरा खुद का अनुभव है, मेरा खुद का दर्शन है, मेरा खुद का विजन है, और उसके लिए 100% मैं जिम्मेदार हूं, और कोई नहीं। तो इसीलिए ये बात की सच्चाई को मानना पड़ेगा। तो अभी भी 3 दिन बाकी है, आप आइए, हो सके तो प्रश्न कागज में लिख के भी लाइए, मैं सबका उत्तर दूंगा। आप समझे, अगर आपको अभी याद नहीं आता है, घर जाके याद आता है तो कागज पे लिख दो, 5 प्रश्न 10 प्रश्न जो भी प्रश्न है, सभी प्रश्नों का मैं बारी बारी से उत्तर दूंगा। और उत्तर दूंगा इतना नहीं, मैं हर प्रश्नों का आपको कन्विंस कराने का प्रयास करूंगा। हर व्यक्ति को, हर धर्म वाले व्यक्तियों को अपने ही उत्तर का परमानेंट सॉल्यूशन दूंगा। वो आसान बात नहीं है, बिना अनुभव वो नहीं बता सकते, आप समझे। और किताबों की बात मैं करूंगा, मैंने कोई जवाब ऐसा दिया कि किताब में ये लिखा है ऐसा मैंने बोला, इस व्यक्ति ने ये कहा है ऐसा मैंने बोला, मैंने यही कहा कुदरत का कानून क्या है, सनातन सत्य क्या है, लॉ ऑफ नेचर क्या है, वही बताने की कोशिश किया। एक ही किताब तो होती नहीं है, होती है किताब इसकी नहीं होती है, ये अनुभव की बात है। तो ये सनातन सत्य का ज्ञान अनुभवी ज्ञानी पुरुषों के हृदय में होता है, ये किताबों में नहीं होता है, मगर धीरे धीरे समझ में आएगा। तो आज का सत्संग यहाँ प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। अभी भी 3 दिन है, कल परसों और उसके बाद भी 3 दिन है, तो 4 से 6 सत्संग रहेगा, जिसको भी आना है आ सकते हैं। आपके फ्रेंड रिलेटिव्स नेबर हैं इसको भी बुला सकते हैं, बोला यहाँ कोई धर्म संप्रदाय या गुरु शिष्य की बात नहीं है, और आप आना चाहते तो आ सकते हैं। पढ़े लिखे लोग भी यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिक बात है, क्या है ये, कोई धार्मिक बात या श्रद्धा की बात या क्रियाकर्म की बात नहीं है। जिसको भी समझना है वेलकम टू ऑल, सभी आ सकते हैं। जो लोग नहीं आए इनको भी आप समझा कर ला सकते हैं, यहाँ कोई चार्ज बाद कंडीशन कोई है नहीं। इतना ध्यान रखो, जो चीज अमूल्य होती है इसका मूल्य नहीं होता है, और जो चीज का मूल्य होता है वो अमूल्य नहीं होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जिसका मूल्य है वो अमूल्य नहीं हो सकता है, और जो अमूल्य है इसका मूल्य नहीं होता है। चलो अभी प्रार्थना बुलाते हैं, आप सबको रिपीट करना है, हाथ जोड़ के आंखें बंद कर दें। ये हमारे अंदर परमात्मा है, हमारे सबके अंदर परमात्मा है, उसी के लिए प्रार्थना है। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के बस मैंने जो जो दोष किए हैं वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ, उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, आप और हम अभेद भाव से तन्मय आकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।
सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।